हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल स्टडी आई पर और यहां पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक और पार्ट आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रैस कोर्स पर जो मैंने सीरीज़ शुरू की है उसका एक और पार्ट आज हम यहां पर कवर करेंगे और कवर करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने पुराने लेसन्स नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने लेसन्स पहले देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें और इसके अलावा ये जो कोर्स है इसकी हम तीन चार क्लास ले चुके हैं और तीन थिंकर्स हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं तो आज के इस लेसन में हम एक और थिंकर के ऊपर प्रकाश डालेंगे उसके पहले अगर किसी को अनएकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी चाहिए या अनएकेडमी प्लस पर आप सब्सक्राइब करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप स्टडी आई ए एस कोड का यूज़ कर सकते हैं एक सेकेंड गाइस चला गया यारी। तो आप ये स्टडी आई कोड यूज कर सकते हो और इस पर आपको मिलेगा टेन जो डिस्काउंट है वो आप यहां पर पा सकते हैं इसके अलावा Uh, कोई भी अगर क्वेरी है डाउट है रिगार्डिंग योर सब्सक्रिप्शन तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये कोड रेफरल जो रेफरल कोड है स्टडी आई और अगर कोई भी डाउट है तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं एक सेकेंड गाइज मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मुझे मेरा वो पेन टैप के लिए लिखने के लिए नहीं मिल रहा है पता नहीं कहाँ ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले लेसन की तो बात करने वाले हैं अगले लेसन की जो है आपका आधारित आपके मैक्स बेबर पर तो मैक्स वेबर की आज हम इस लेसन में बात करेंगे तो मैक्स बेबर की बात शुरू करने से पहले बात करेंगे पिछले लेसन की तो अगर आप एक क्रोनोलॉजी समझिए तो हमने पिछले लेसन को भी कुछ इसी तरीके से यूज़ किया था और इसी तरीके से कुछ हमने पढ़ा था जहाँ पर हमने बात की थी मैक्स वेबर की मैक्स वेबर के पहले जो हमने बात की थी वो अलग अलग थिंकर्स पढ़े थे फॉर एग्जांपल हमने फ्योल पढ़े हुए हैं हमने इसके पहले विल्सन पढ़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ हमने एक और तीसरे थिंकर पढ़े थे जिनका नाम था टेलर ठीक है तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर हम देख रहे हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपको पता है तो आप ईजी वे में चीज़ों को रिलेट कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पर ये शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पता करना चाहूँगा कि आपने पुराने लेसन्स रिवाइज़ किए हैं या नहीं किए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने विल्सन के अंदर कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़े थे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फटाफट से शॉर्ट में टाइप करके बताओ जल्दी से ठीक है बताओ जल्दी से पहले मैं पता तो करूँ कि पढ़ रहे हो कि नहीं रिविज़न कैसा चल रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ जितने लोग हैं जल्दी से चलो शुरू करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स बैबर ठीक है तो शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले जब मैक्स बेबर की जब हम बात करते हैं तो बैकग्राउंड यहाँ पर है उसके अलावा बेबर कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी है पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स ऑफ अथॉरिटी तो ओवरऑल अगर आप एक पिक्चर अपने माइंड में क्लियर करें तो वो आपको देखने को मिल रही है कि पिक्चर के अंदर आपको एक अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा और दूसरा ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट मिलेगा ठीक है हाँ तो डाइकोटॉमी पढ़ा था विल्सन के अंदर तो ऐसे ही हमने साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारी चीज़ें सी पी ए को मिला के बाकी सारी चीज़ें भी हमने वहाँ पर कवर की थी ठीक है तो आज इस लेसन में हम मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर आप समझो तो आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं एक अथॉरिटी और दूसरा ब्यूरोक्रेसी ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब सबसे पहले बात आती है बैकग्राउंड की तो जब बात आती है बैकग्राउंड की तो आपको यहां पर समझना होगा दैट क्या बैकग्राउंड था ओवरऑल आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो फर्स्ट जो सबसे पहले क्या हुआ कि बेबर की बेबर जो जो उनका एनालिसिस था वो सिस्टमैटिक स्टडी पर था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं इसी वजह से क्योंकि इनका जो एनालिसिस था वो सिस्टमैटिक एनालिसिस था ऐसा नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में उन उन्होंने बात की काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात की थी दूसरा जो पॉइंट है वो है ही ऑलवेज प्रिफर्ड नॉलेज ओवर प्रैक्टिकल एक्स जो नॉलेज जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आई है और जो लाइब्रेरी वाली नॉलेज है उन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं बिल्कुल ठीक बताया नम्रता जी ने बिल्कुल यही पॉइंट पॉइंट्स थे ठीक है यही मैं चाहता हूँ कि हर कोई ऐसे ही बताए ठीक है ताकि आपको आसानी रहे याद करने में ठीक है तो सेकेंड उनका परस्पेक्टिव ये था दैट ही वॉज ऑफ द व्यू कि जो प्रैक्टिकल करके जो नॉलेज मिलती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो नॉलेज नॉलेज मिलती है वो लाइब्रेरी रिसर्च से कई ज़्यादा अच्छी होती है कई गुना अच्छी होती है आप भी ये चीज जानते हैं और ये काफ़ी जनरल परस्पेक्टिव है और एक तीसरा है दैट ही वॉज़ प्रोग्रेसिव इन आउटलुक ई एट कंजर्वेटिव बाई हार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि यू पी एस सी का जो ट्रेंड एनालिसिस अगर आप समझो तो यू पी एस सी के अन यू पी एस सी की ये हैबिट है दैट दे आस्क सच टाइव ऑ क्वेश्चन ठीक है इसी में वो पूछ देंगे दैट ही वॉज प्रोग्रेसिव इन आउटलुक एट कंजर्वेटिव बाई हार्ट एल यू सी डेट ठीक है तो फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा इसमें कंटेंट क्या लिखें तो आप समझने की कोशिश करो क्योंकि उन्होंने ब्यूरोसी का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है और क्योंकि ब्यूरोसी का स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके का टॉप डाउन अप्रोच है ठीक है अगर बात करो सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए एक्सपीरियंस के ढंग से होना चाहिए तो तो कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिवनेस देखने को मिल रही है अपने टाइम के हिसाब से बहुत सही कर रहे हैं बट अगर आज के हिसाब से देखो तो वो आइडियाज़ जो थे वो कंजर्वेटिव थे है ना? वो आइडियाज़ जो थे कंजरवेटिव uh, थे और कंजर्वेटिव इन देंस कि टॉप डाउन मॉडल है कोई यहाँ पर सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा यहाँ पर जो जनरल बात हो रही है वो सिर्फ इतनी हो रही है कि हाँ ठीक है टॉप डाउन चलेगा हम रूल करेंगे और आप ऊपर रूल होगा तो रूलर और रूल्ड का कॉन्सेप्ट है इस वजह से कंजर्वेटिव कहा जा रहा है इज इट वेरी क्लियर कोई भी डाउट यहां तक आपको अगर कोई भी डाउट हो तो नहीं होना चाहिए वैसे तो इसके अलावा चौथा बैकग्राउंड जो है वो ये है दैट हिज राइटिंग्स रिफ्लेक्ट सोशल कंडीशन ऑफ जर्मनी एट ऑफ हिज टाइम्स ठीक है तो ये बहुत ही ज्यादा एक सिमिलर पैटर्न है जैसा हमने फ्योल के में पढ़ा था जैसा हमने Uh, जैसे कल एक लोगों ने यहाँ पर आप लोग डाउट पूछ रहे थे कि फ़्योल और टेलर में क्या डिफरेंस है तो एक एक डिफरेंस मैंने ये भी बताया था कि जो टेलर थे उनका आइडिया जो था वो अमेरिका के रेस्पेक्ट में था और क्योंकि अमेरिका में उस उस टाइम चल रहा था एक कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की एक अलग तरीके की इकोनॉमी वहाँ डेवलप हो रही थी ठीक है स्टेबिलिटी नहीं थी कि ठीक है स्टेबल है फ़्योल के जगह पर स्टेबिलिटी थी उसी तरीके से जो इनकी राइटिंग्स हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सोशल कंडीशन ऑफ जर्मनी जो है वो रिफ्लेक्ट होगी ठीक है इतना समझ आता है ये हो गया बैकग्राउंड इसके अलावा एक अगला कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी ठीक है कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी मैंने बोला दो पिलर आपको बस याद रखने जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने पूछा कि बैबर के पहले हमने साइंस वो सॉरी विल्सन में कितने पिलर्स पड़े थे तो आपने फटाफट से टाइप करके बता दिया डाइकोटोमी पढ़ा था सी पी ए पढ़ा था ठीक है ये सारे आपने बता दिए लेकिन बैबर में ज़्यादा कुछ ऐसा लोचा है नहीं दो चीज़ों पे बात की लेकिन सॉलिड बात की ठीक है ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा सब में से बोल दिया ठीक है तो हर जगह बात करी ऐसा नहीं है सिंपल ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटी दैट्स इट ठीक है उनका जो पूरा अप्रोच था वो इन पर आधारित था ठीक है तो अब आप इजीली इसको याद रख सकते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पर बात करते हैं अथॉरिटी की ठीक तो अब यहाँ पर ही डिफ्रेंशिएटेड पावर अथॉरिटी और कंट्रोल ठीक है समझ में आ रहा है पावर अथॉरिटी कंट्रोल में उन्होंने अंतर किया वो अंतर आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर अभी मैं कराऊंगा, ठीक है तो सबसे पहले इफ़ आई हैव द पावर देखो अंतर समझो सबसे पहले पावर है पावर का मतलब है कि अगर मेरे पास पावर है माय विल जो जो मेरी इच्छा है वो एनफोर्स हो जाएगी भले ही आप कितना भी विरोध कर लो ठीक है मतलब मेरे पास पावर है मैं दो तीन चीज़ें कह रहा हूँ मेरे पास पावर है फिर मैं कह रहा हूँ मेरे पास आप कहो कि आपके पास अथॉरिटी है और जो यहाँ पर एक तीसरा बंदा है थर्ड पर्सन उसके पास कंट्रोल है तो अंतर क्या है पावर जो होती है समझो ध्यान से समझ रहा मैं एग्जाम्पल के साथ अच्छे से लॉजिक लॉजिकली आपको समझाऊंगा पावर जो होती है इफ़ आई हैव द पावर मेरी विल जो है वो एनफोर्स हो जाएगी चाहे भले ही आप कुछ, आप कुछ भी कर लो ठीक है फॉर example, अभी CAA चल रहा था ठीक है सी ए का प्रोटेस्ट चल रहा था तो अब क्या है कि अगर आप रेसिस्टेंस कर रहे हो आप उसका विरोध कर रहे हो प्रोटेस्ट कर रहे हो स्टिल अगर वो चीज़ एनफोर्स हो रही है सोसाइटी में तो हम जो हम ये कहेंगे कि पावर का यहाँ पर यूज़ हो रहा है ठीक है समझ आता है पावर का मतलब है कि कुछ भी है मतलब पावर वी आर सुपीरियर वी आर पावरफुल पावर का मतलब यही है कि अगर आप विरोध करोगे तो आपको एकदम धारावारा एक धारा वारा 144 कुछ लगा के अंदर कर दिया जाएगा डेस्पाइट रसिस्टेंस जो है वो यहाँ पर चीज़ें चलेंगी ठीक है यानी यहाँ पर मेन फंडा है कि लोग अपोज कर रहे हैं या नहीं अगर कर रहे हैं फिर भी आप उनके ऊपर डोमिनेशन कर पा रहे हो उसे पावर बोलते हैं इतना क्लियर होता है दूसरा कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी अथॉरिटी का मतलब भी पावर है लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ होगी कि रसिस्टेंस नहीं होगा ठीक है अगर अगर आपके पास अथॉरिटी है मेरे पास तो चलो पावर है मतलब आप चाहे विरो फिर जनता चाहे विरोध करे कुछ भी करे मेरी जो इच्छा है वो है ना कि राजा जो मेरा वचन ही मेरा शासन है ना जो मैंने बोल दिया वो होगा भाड़ में जाए दुनियादारी ठीक है वो पावर अगर आपके पास अथॉरिटी है तो उसका मतलब ये है कि आपके अंडर जो लोग हैं आप जिन पर रूल कर रहे हो अगर आपके पास अथॉरिटी है तो भले ही रसि.. तो वो रसिस्टेंस करेंगे ही नहीं ठीक है वो रसिस्टेंस करेंगे ही नहीं ऐसी एक लेजिटिमेसी क्रिएट हो जाएगी कि लोग रसिस्टेंस करेंगे ही नहीं ठीक है वो क्यों नहीं करेंगे क्योंकि लेजिटिमेसी क्रिएट हो जाएगी ठीक है तो लेजिटिमेट पावर होती है उसे अथॉरिटी कहते हैं समझ रहे हो अगर आपने सी सेट की प्रिपरेशन करी है और अगर आपको वेन डायग्राम पता है तो आप समझ जाओगे कि पावर जो है वो एक बड़ा गोला बनेगा ठीक है और अथॉरिटी उसके अंदर छोटा गोला बनेगा जिसमें लोग आपका अपोजिशन आप नहीं करेंगे ठीक है समझ में आता है तो एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो कि अगर पावर के अंदर लेजिटिमेसी फिट कर दोगे तो अथॉरिटी बन जाएगी ठीक है पावर तो सिर्फ यही है कि रसिस्टेंस हो या ना हो अगर उसमें लेजिटिमेसी लेजिटिमेसी का मतलब है कि लोग आपकी बात मानेंगे तो वो बन जाएगी अथॉरिटी और कंट्रोल का मतलब सिंपल है कि पावर और अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना लोगों के ऊपर उसी को कंट्रोल कहते हैं तो मेन जो डिफरेंस है वो पावर और अथॉरिटी का है समझ आता है कि नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यस yes और नो no में वाई और एन लिख के बताओ कि पावर अथॉरिटी में कोई भी दिक्कत कैसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हैं ठीक है इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है अथॉरिटी के में अथॉरिटी में उन्होंने फिर डीप में बात करी मैंने बोला ना अथॉरिटी ब्यूरोक्रेसी दो कॉन्सेप्ट आज हम बात करेंगे और इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ठीक है अथॉरिटी हम देख चुके हैं सॉरी अथॉरिटी के जो है वो हमने अभी ओवरव्यू देखा कि पावर जो पावर है अथॉरिटी और कंट्रोल है अब अथॉरिटी में जूम इन करेंगे ठीक है जैसे इमेज़ में जूम इन करते हो ना देखने के लिए वैसे अथॉरिटी के अंदर जूम इन करो तो आप मिलोगे एक तीन तरीके की लेजिटिमेसी से ठीक है तो कितने तरीके की लेजिटिमेसी आ गई तीन तरीके की लेजिटिमेसी आ गई अब देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट क्या बताया कि लेजिटिमेसी विल डिसाइड कि आपकी पावर पावर है या वो अथॉरिटी है समझ रहे हो मतलब अगर सी ए का विरोध हो रहा है तो वो पावर है गवर्नमेंट वहाँ पर भी यू इन्फोर्स uh, करा रही है तो वो पावर है अगर पूरी जनता पूरे 130 करोड़ लोग उसका सपोर्ट करने लगे तो अपने आप वो अथॉरिटी बन जाएगी यानी उसके अंदर क्या आ गई लेजिटिमेसी आ गई उस पावर के अंदर ठीक है तो पावर प्लस लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी ये लॉजिक क्लियर होता है अब लेजिटिमेसी जो है वो तीन तरीके से आ सकती है मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि जनता विरोध करना बंद कर दे ठीक है तो वो चीज़ अगर हो जाएगी तो आपकी पावर आपकी अथॉरिटी बन जाएगी समझ आता है ये लॉजिक समझ में आता है कोई भी डाउट तो नहीं है यहाँ पे कि अगर कुछ भी ऐसा कर दो है ना वो गाने होते हैं ना कि कुछ ऐ, कुछ ऐसा कर कमाल ठीक है उसी तरीके से कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि लेजिटमेसी जो है वो आ जाए तो हमारी जो पावर है वो इक्वल टू अथॉरिटी हो जाएगी क्योंकि हमें रसिस्टेंस होगा ही नहीं और जब रसिस्टेंस होगा ही नहीं तो जो तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो अपने आप वो अथॉरिटी हो जाएगी ठीक है तो लेजिटिमेसी कहाँ से आएगी लेजिटिमेसी आ सकती है तीन तरीक़ों से ठीक है और उन्हीं तीन तरीकों के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि लेजिटिमेसी तीन तरीकों से आ रही है इसी वजह से तीन तरीके की अथॉरिटी आपके उत, आपको देखने को मिलेगी ठीक है समझ में आया तो तीन तरीके की लेजिटिमेसी है तो तीन तरीके की अथॉरिटी भी आ जाएगी ठीक है तो इस वजह से अथॉरिटी जो है वो तीन तरीके की है तो वो यहां पर कंपोनेंट हम पढ़ेंगे उसके पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बताता हूं लेजिटिमेसी अगेन लेजिटिमेसी का मतलब देखो सिर्फ इतना है जो लेजिटिमेट हो जो एक तरीके से लोग जिसे एक्सेप्ट कर लें ठीक है अथॉरिटी इज narrower. ठीक हाँ यही बात है कि पावर में रसिस्टेंस जो है वो नहीं जो पावर पावर जो है वो मतलब उसमें देखो ऐसे ऐसे वैन डायग्राम वाला अभी स, छोड़ो अभी आप ये समझो पावर जो है पावर में लोग रसिस्टेंस करेंगे फिर भी आप एनफोर्स कर पाओगे ठीक है मतलब लोग विरोध करेंगे वहाँ पर रसिस्टेंस होगा फिर भी आप एनफोर्स कर पाओगे जो अथॉरिटी है अथॉरिटी में लोग विरोध करेंगे ही नहीं ठीक है लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऐसा क्या हो गया कुछ ऐसा कमाल वो कौन सा कमाल था जिसकी वजह से लोगों ने विरोध किया ही नहीं वो हुआ लेजिटिमेसी की वजह से लेजिटिमेसी अभी मैं जब इसको डिफाइन करूंगा तीन तरीकों से तो आप लेजिटिमेसी में कन्फ्यूज नहीं होंगे समझ में आ जाएगा लेजिटिमेसी मतलब कि कुछ ऐसा है उसमें कि हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा कर कमाल तो वो जो कमाल है वो क्या है उसी को लेजिटिमेसी बोल रहे हैं तो उसको समझने के लिए उसके टाइप्स आप देखो तो आप समझ जाओगे ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है वो है ठीक है सबसे पहली है ट्रेडिशनल अथॉरिटी अब देखो मैंने क्या बोला लेजिटिमेसी डिसाइड करेगी टाइप ऑफ अथॉरिटी तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंदर कौन सी वाली लेजिटिमेसी है यहाँ पर कौन सा वाला कमाल हुआ था जो ये जो पावर है वो अथॉरिटी बन गई वो यहाँ पर कमाल हुआ था ट्रेडिशनल परस्पेक्टिव यानी कि कस्टम्स हेडिडिटी ठीक है जो वो वाली माहिस्मती वाला जो आपने रूल देखा है ना मैंने ये ग्रुप में भी शेयर किया था स्टडी आई के पे कि जो जैसे माहस्मती वाला जो रूलर वो जो पूरा था कि हमारा बचन ही हमारा शासन है या जो अकबर होते थे या जो भी ऐसे राजा महाराजा होते थे तो उन लेजिटिमेसी कहाँ से आई लेजिटिमेसी का मतलब है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लोग एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं लेजिटिमेसी क्या है उस चीज़ की लेजिटिमेसी ये है कि लोगों को लगता है कि ये जो राजा है इसे भगवान ने भेजा है है ना ऐसा मान लेते थे और फिर इसकी वजह से डिवाइन रूल कह के वो लोग रूल किया करते थे है ना इसीलिए वो उसमें अपने नाम आगे महाराज अधिराज और ये सब लगा लेते थे है ना और फिर उनके बेटे के बेटे और बाबर का हुमायूं हुमायूं का अकबर अकबर का ठीक है वो चलता रहता था ठीक है तो ये सारी जो चीजें थी ठीक है हेरिडिटी से वो लेजिटिसी आ रही थी वो लेजिटिसी अगर आप अकबर के टाइम पर होते तो अगर आप कुछ पाव आप कुछ कहते कि हम चलो हम सी एल आ रहे हैं या कुछ भी आप लॉ बना रहे होते कोई नहीं मानता क्यों क्योंकि लेजिटिसी आपके पास नहीं थी लेजिटिसी किसके पास है बाबर के बाद हुमायूं पे थी हुमायूं के बाद अकबर पे थी ठीक है समझ में आता है लेजिटिसी कहाँ से आ रही है उनकी हेरिडिटी से आ रही है उनकी मतलब जो inherent, जो मतलब इनहेरेंटली वो मूव कर रही है कि ये अच्छा ये इनके बेटे हैं इस वजह से हमें इनकी बात माननी चाहिए ठीक है कस्टम्स ऐसे हैं और पर्सनल आर्बिटरीनेस इसके फीचर हैं ठीक है पर्सनल आर्बिटरीनेस का मतलब है पर्सनल आर्बिट्रीनेस का मतलब आप समझ रहे होगे कि वहाँ पर फिर ऐसा नहीं होगा कि हम तो भैया हंड्रेड परसेंट वाले हम तो नाइन्टी एट परसेंट वाले हैं हमें यहाँ का ब्यूरोक्रेट बनाया जाए नहीं जो भी लोयल जो भी लोयलिटी वहाँ पर होगी जो भी उनको राजा को पसंद आएगा उसको वो डिसाइड करेंगे ठीक है तो ये समझ में आ गया आपका डाउट क्लियर हो गया लेजिटिमेसी यहाँ पर कुछ यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी आ रही है कि लेजिटिमेसी क्यों आ रही है अथॉरिटी कहाँ से लेजिटिमेसी कहाँ से आ रही है वो आ रही है आपकी जो आपकी पीढ़ी चल रही है ना जो आपकी हेरिडिटी चल रही है कि ये राजा हैं फिर उनके लड़के फिर उनके लड़के समथिंग शॉर्ट ऑफ दैट थिंग अथॉरिटी जो लेजिटिमेसी है वो वहाँ से आ रही है ठीक है और ट्रेडिशन कस्टम्स की वजह से आ रही है और ये एक तरीके की फ्यूडल और पेट्रीमोनियल रिजीम होता है यहाँ पर ठीक है इसके अलावा इसके अलावा हम मूव ऑन करते हैं चैरिज्मेटिक अथॉरिटी में अब वो जो मैंने फिर से लाइन बोली थी कि कुछ ऐसा कर कमाल के पावर अथॉरिटी बन जाए तो यहाँ पर वो जो कमाल है वो हुआ है चैरिज्मा की वजह से चैरिज्मा का मतलब क्या है चैरिज्मा का मतलब है कि मंत्र मुग्ध कर दिल ऐसा लीडर होना चाहिए जैसे रियल एग्जाम्पल मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में चैरिज्मेटिक अथॉरिटी है मोदी जी का एग्जाम्पल देख लो ठीक है बिल्कुल मैं यहाँ पे कुछ नहीं चैरिजमेटिक नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अपनी अथॉरिटी लीगल रेशनल है लेकिन अभी जो एग्जाम्पल है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोदी जी हैं तो अगर वो बोल देते हैं कुछ भी उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी है उनके अंदर वो चैरिस्मा है चैरिस्मा का मतलब है कि कुछ कुछ पावर मतलब वो बोलने में ही कुछ जादू होता है कि लोग बिल्कुल बह जाते हैं ठीक है जो भी बोल दो ठीक है तो लोग उसमें अपने आप वो, वो एक लीडरशिप क्वालिटी है सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं सुपर ह्यूमन ऐसी वाली पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्किल्स होती हैं किसी लीडर में ठीक है जो भी बड़े लीडर होते हैं उनमें ये लीडर लीडरशिप स्किल होती हैं ठीक है थीके? कि लोग मतलब आपकी बात की वजह से ऐसा नहीं है कि आप राजा महाराजा के बाबर के हुमायूं हैं या हुमायूं के अकबर हैं ऐसा नहीं है आपके अंदर वो ऐसी टेंडेंसी है कि आप जब बोलते हो तो लोग पूरे मतलब भावनाओं में बह जाते हैं और आप जो बोलते हो वो होता है और फिर ऐसे करके लीडरशिप चलती है इवन महात्मा गांधी को भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं हिटलर को भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं हर किसी का एक क्योंकि उनका एक चैरिज्मा था ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर जो आपने पूछा था लेजिटिमेसी तो लेजिटिमेसी कहाँ से आ रही है लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कमाल यहाँ क्या है वो कमाल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाबर का हुमायूं हुमायूं का अकबर चल रहा है यहाँ वो कमाल है चेरिज्मा यहाँ पर वो कमाल है सुपर नेचुरल पावर यहाँ पर वो कमाल है पर्सनल क्वालिटी ही ऐसी हैं बंदे में जो आपको बिल्कुल मतलब बिल्कुल आप बह जाते हो भावनाओं में ठीक है ये चीज़ है तो ये दोनों समझ में आते हैं तीसरा जो है वो आपका बिल्कुल अलग है यहाँ पर जो लेजिटिमेसी आ रही है वो लेजिटिमेसी जो आ रही है वो ऐसे नहीं आ रही कि बाबर का हुमायूं हुमायूं का अकबर की वजह से आ रही वैसे नहीं आ रही वो इस वजह से भी नहीं आ रही कि ये ऐसे हैं तो ये इतने अच्छे हैं ये मतलब कोई भी जैसे मान लो हिटलर है तो हिटलर ये इतना अच्छा है आप इसको पूरा पावर दे दो ऐसा भी नहीं है यहाँ पर लीगल रेशनल में जो लेजिटिमेसी है वो आ रही है आपकी लीगल लॉ से लीगल लॉ का मतलब है कि यहाँ पर लेजिटिमेसी कॉन्स्टिट्यूशन si से आ रही है यहाँ पर किसी रिटन लॉ से आ रही है ठीक है यानी कोई लॉ पार्लियामेंट में पास हुआ है वहाँ से लेजिटिमेसी si आ रही है ठीक है हर चीज़ वहाँ से आ रही है अगर हम पार्लिया अगर हम प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट तो क्यों मान रहे हैं ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनली ऐसा चल रहा है या ऐसा भी नहीं है कि चेरिज्मा की वजह से है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो हम मान रहे हैं यानी लेजिटिमेसी यानी लोग एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं है ना अथॉरिटी में वही तो था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे क्यों कर रहे हैं लेजिटिमेसी कहाँ से आई वो आई यहाँ से ठीक है समझ में आ गई ये चीज़ तो यहाँ पर लॉ होगा लीगल कोड होगा और सारी चीज़ें रिटेन और डिफाइंड होंगी ठीक है समझ में आ गया तीनों कोई दिक्कत लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है चेरिज्मेटिक लाइक गांधी जी और हिटलर हाँ ये सारे लोग चेरिज्मेटिक हैं क्योंकि इनकी पर्सनल क्वालिटी इतनी अच्छी थी इतनी उनमें ओरेटर स्किल थी कि वो लोग अपने आप मानते थे बातों को ठीक है और कुछ कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलते हैं जैसे ट्रेडिशनल और चेरिज्मेटिक को अगर आप कंबाइंडली पढ़ो अगर मान लो मैं आपसे पूछूँ कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें दोनों लोग हों दोनों अथॉरिटी हों तो उसके एग्जाम्पल होते हैं जो आपके धर्म गुरु टाइप के लोग होते हैं ठीक है उनका ट्रेडिशनल भी होता है कि हाँ वो किसी मतलब एक पर्टिकुलर घराने से बिलोंग करते हैं या किसी पर्टिकुलर वो एक उससे बिलोंग करते हैं इस तरीके के होते हैं ट्रेडिशनल सेंस में भी होता है ठीक है क्योंकि लोग वहाँ पर रेशनेलिटी नहीं देखते वहाँ पर लोग सिर्फ यही देखते हैं और दूसरा उनमें चेरिज्मा भी होता है ठीक है तो गुरु राम रहीम टाइप के लोग ठीक है उनमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ठीक है उनका चेरिज्मा भी होता है और उनकी ट्रेडिशनल सेंस में क्योंकि वो ऐसे ऐसे फील्ड में हैं ठीक है तो वो इसके एग्ज़ाम्पल होते हैं ठीक है ठीक है? है तो ये आपका अथॉरिटी पावर कंट्रोल लेजिटिमेसी चार पॉइंट हो गए और ये इनके डिफरेंसेस हो गए ये आपका अथॉरिटी हो गया और अथॉरिटी एक और इसमें पॉइंट बताना चाहूंगा ट्रेडिशनल और चैरिज्मेटिक दोनों आपकी कैसी हैं इेशनल हैं इर का मतलब क्या होता है इर का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कोई रेशनेलिटी नहीं है रेशनेलिटी का मतलब है जो चीज़ फैक्ट पर आधारित है तो तो फैक्ट पर कुछ नहीं है ठीक है क्योंकि राजा महाराजा बाबर का हुमायूं उमायूँ होगा अकबर कोई यहाँ पर रेशनेलिटी नहीं रहेगी जो मन होगा वो करेंगे किसी को भी अपना वो बनाएंगे ठीक है कोई यू सिविल सर्विसेज एग्जाम नाम की चीज़ नहीं होगी जो होगा राजा को पसंद वो बन जाएगा ऐसा ही चेरिजमा में है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं ठीक है थीके? जैसे हिटलर है तो हिटलर जो मन होगा वो करेगा ठीक है तो वो वहां पर चेरिज्मा ऐसे दिखाएंगे ठीक है क्योंकि चैरिज्मा क्योंकि पावर किसके अंदर है आ, जो आपकी क्वालिटी है तो उस पर डिपेंड होगा लीगल रेशनल अथॉरिटी प्योरेस्ट टाइप ऑफ लीगल रेशनल अथॉरिटी कंटेंट फॉर ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंट्स प्योरेस्ट टाइप ऑफ लीगल रेशनल अथॉरिटी ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्योरेस्ट टाइप जो है वो डिपेंड वो यहां पर दिखाती है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपको Uh, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कैसे बनी ब्यूरोक्रेसी का अगर आप पूरा स्ट्रक्चर हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में जब पढ़ेंगे तो ब्यूरोक्रेसी ऐसा नहीं होती ना कि के, के, uh, ट्रेडिशनल सेंस से वो नहीं आती ना वो चेरिजमेटिक सेंस से आती है वहाँ एग्ज़ाम होता है प्रॉपर और उनका जो भी उनका काम होता है वो एक हैरारकी का भी पार्ट होते हैं ये भी एक पॉइंट है इसके अलावा जो जिन लोगों को वो ऑर्डर्स देते हैं उनका बेसिस भी कोई लॉ होता है ठीक है और जो जो वो ऑर्डर लेते हैं अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से उनका बेसिस भी लॉ होता है ठीक है जैसे आपने सिविल सर्विसेज रूल्स वगैरह पढ़े होते हैं तो ओवरऑल अगर ब्यूरोक्रेसी का राइट फ्रॉम अपॉइंटमेंट या कोई भी चीज़ देख लो हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वो चीज़ें लॉ से कहीं ना कहीं बन रही हैं ठीक है ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स तो उनसे चीज़ें चल रही हैं या कोई भी आप पूरा हैरारकी देखो तो वो रूल्स से चल रही है तो हर चीज़ इस तरीके से वहाँ पर डिफाइंड है इस वजह से आप कह सकते हो दैट ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लीगल रेशनल अथॉरिटी है और इसका एक मेन जो रीजन है वो जो इस क्वेश्चन के पीछे है वो ये है कि इसका जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है यहाँ कोई आपको ऐसा कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा राजा महाराजा वाला सीन है चेरिजमा में भी ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन रीगल रेशनल को जो इम्प्लीमेंट करने का काम करता है वो ब्यूरोक्रेसी ही होती है और जब हम यहाँ चैप्टर जब पढ़ रहे हैं मैंने कहा था अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे तो अथॉरिटी के अंदर ही ये जो टाइप्स हैं इसी में जो लीगल रेशनल वाला टाइप है वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ब्यूरोक्रेसी एक टूल की तरह हम पढ़ते हैं ठीक है मतलब उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ब्यूरोक्रेसी की एंट्री ही होगी ठीक है इस वजह से वो चीज़ लिंक्ड है इस वजह से उसको ऐसा कहा जाता है ठीक है इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो एज ऑफ नाउ ऐसा यू नहीं पूछेगा बट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि दैट बेबर ने फाइव एसेंशियल कंपोनेंट बताए थे किसी भी अथॉरिटी के तो अथॉरिटी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं कोई रूल करेगा किसी पर रूल होगा ठीक है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आप यहाँ पर बात कर सकते हो द विल ऑफ़ द रूलर्स टू इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ द रूल ठीक है तो जो विल है वो होगी कुछ कमांड होगी ठीक है एक तो मैं हो गया रूलर आप हो गए रूल्ड फिर बीच में कुछ कमांड भी जाएगी तभी तो पता चलेगा पावर है अथॉरिटी है कंट्रोल है क्या है इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ रूलर्स के एविडेंसेस होंगे इन टर्म्स ऑफ कितना वो ऑब्जेक्टिव डिग्री ऑफ कमांड दे रहे हैं मतलब कि जो कमांड दी जा रही है ऐसा तो नहीं है मैं आपसे करप्शन करने को बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस तो एक ऑब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस और एक सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस ठीक है तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वाली लीडरशिप को देखेंगे ट्रेडिशनल को तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी और अगर लीगल रेशनल को देखोगे तो ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी अब ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रूल कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यू सिविल सर्विसेज प्रिलियम्स ऑब्जेक्टिव टाइप है यानी आप अगर आज क्वेश्चन दे रहे हो और अगर आपका क्वेश्चन अगर, अगर, अगर आंसर डी सही है तो आंसर डी सही है चाहे दस साल बाद कोई दूसरा एग्जामिनर हो या अभी उसको दस एग्जामिनर देखें डी सही है तो डी सही है ऑब्जेक्टिव है डी सही है मतलब सही है बात ख़त्म कहानी ख़त्म कुछ नहीं चेंज होगा चाहे भले ही उसको दस कॉपी एग्जामिनर दस दस एग्जामिनर से चेक करवा लो ठीक है बट ऑन द अदर हैंड सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है जब वेरिए वेरिएशन आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ मेंस एग्जामिनेशन अगर 10 एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो 10 एग्जामिनर 10 तरीके के नंबर आपको दे देंगे ठीक है ऐसे में देखा जाता है ऐसे के एग्ज़ाम में कभी सौ नंबर आ रहे हैं उसी बंदे के अगले एग्जाम में डेढ़ सौ नंबर आ रहे हैं सो यू कैन नॉट बेसिकली कोई पैरामीटर नहीं है वहाँ पर ठीक है आपने ये सुना होगा कि मेन्स इज़ ऑल अबाउट ऑल दिस थिंग ठीक है तो थोड़ा सा वो चीज़ें वहाँ पर होती हैं तो इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को हम मेज़र करते हैं तो ये सारी चीज़ें हो गई कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी में सिंपल आपको बस वो डायग्राम याद रखना है दैट रूलर है रूल्ड है और ऑब्जेक्टिविटी uh, सब्जेक्टिविटी और ये लास्ट वाला हाँ बैबर ने पूरा उसको अच्छे से पॉजिटिव थिंग बताया था और इसी वजह से हम उन्हें प्रोग्रेसिव इन आउटलुक कह रहे हैं ठीक है क्योंकि बैबर की ब्यूरोक्रेसी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी स्टेबल थी अभी हम पूरा इसका एनालिसिस करेंगे इवन आज भी वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है इसको हम एक मेंस का मॉक क्वेश्चन की तरह भी समझेंगे पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन तो उन्होंने कुछ एक उन्होंने डेफिनेशन भी दी थी ये डेफिनेशन जो है आपकी ये जो डेफिनेशन है दैट ऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मीनस डोमिनेशन ये जो डेफिनेशन है ये आपको याद रखनी है दैट इनका मतलब इनके हिसाब से बेबर के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू बेबर, एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू डोमिनेशन अकॉर्डिंग टू अगर ये देखो इस बार यू पी एस सी सिविल सर्विसेज ट्वेंटी नाइनटीन में एक क्वेश्चन आया था दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंडेंट है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं आंसर करने के कुछ लोग आपको ये भी बताएंगे कि इसका आंसर सबसे अच्छा ये होगा कि आप एवोल्यूशन को बता दो कि हाँ पहले ऐसा होता था फिर ऐसा होता था एक तरीका ये भी है कि आप अगर पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी मैं जब पूरा कोर्स करा दूंगा आपको ये पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन पूरे टाइम वेरी होती जा रही है विल्सन ने कहा था एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ इज एडमिनिस्ट्रेशन बेबर कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द डोमिनेशन ठीक है अगर कोई आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है तो उसे यहां पर ये कहा जाएगा ठीक है यानी यहां पर मतलब समझ रहे हो कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही डोमिनेशन बता दिया मतलब बंदे ने इतना ज़्यादा उसको लिंक कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डोमिनेशन आगे अलग अलग थिंकर्स आएंगे कोई कहेगा एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट कॉपरेशन जैसे चेस्टर बर्नाड कहेंगे फॉलेट कहेंगे अरे एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द लीडरशिप और ये कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन तो जिसे जैसी जिसकी नजरिया है वैसे ही उसे नजारे दिखते हैं तो वही यहाँ पर है जैसा जैसा जो सोचता है जो पढ़ता है जिसके रेस्पेक्ट में वो उसी के रेस्पेक्ट में बोल देता है ठीक है जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं एग्जाम्पल जैसी मैंने लाइव देखिए मैं उस तरीके दे, दे देता हूँ कोई पैसा पैसा सोचता रहता होगा तो वो उस तरीके से हर जगह सोचता है कि पैसे 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 है ना उसी तरीके से हर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर ने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से थ्योरी दी है तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो पूरा एक चार्ट बना के चले है ना नंबर आपको मिल जाएंगे इसके अलावा ही कैटेगराइज द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज दोस्त तो इन्होंने पर्सन को भी डिफाइन किया था कि कुछ लोग ऑबे करते हैं कुछ लोग पर्सनली इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा ठीक है तो इस चीज़ को आप लिंक कर सकते हो कि आ, आगे जो ब्यूरोसी का जो वो होगा क्या बोलते हैं ए, उसका क्रिटिसिज्म होगा तो पहले से इन्होंने यहाँ पर बोल दिया था कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं तो होते हैं तो होते हैं ठीक तो है तो ये चीज़ें हैं इसके अलावा पार्टिसिपेट इन दैट डोमिनेशन इन द सेंस दैट द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन इज़ डिडेड अमंग दैम ठीक है तो वो पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें उन पावर थोड़ी जो फंक्शन है वो डिवाइड होंगे और कुछ इसलिए क्योंकि उनको वो फंक्शन के लिए रेडी रहते हैं कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी रहते हैं कुछ फंक्शन के लिए रेडी रहते हैं कुछ मानने के लिए वहाँ पर रहते हैं और कुछ लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको अपना डोमिनेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा बिकॉज दे विल ड्राइव बेनिफिट ठीक है कहीं ना कहीं बेबर ने खुद भी वो चीज़ें बोली थी कि बेनिफिट के लिए भी लोग होते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं ये कोई ऐसा एनालिसिस नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा यू इस पर फोकस करेगा बट क्योंकि ये बुक में दिया है तो आपको पता होना चाहिए मैंने जितना ना इसमें हो सकता था बता दिया है ठीक है और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं इसके अलावा रीजंस फॉर ओबीडियंस लीगल रैशनल अथॉरिटी में अब देखो जो मैंने बोला था ना कि लेजिटिमेसी आ रही है इस वाले में अगर देखोगे लीगल रैशनल की लेजिटिमेसी क्यों आ रही है तो मैंने जनरली बोल दिया था कि लॉ होता है तो उसी को थोड़ा सा इलैबोरेट अगर करोगे तो आपको ये हेडिंग्स देखने को मिलेंगी एक तो आपको यहां देखने को मिल रहा है लीगल कोड ठीक है मैं यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पेन है वो यहाँ पर गुम हो गया है कहीं ठीक है वो मिल नहीं रहा है मेरे को तो आप यहाँ पर इसको समझो दैट लीगल कोड कैन बी एस्टेब्लिश विच कैन क्लेम ओबीडियंस फ्रॉम द मेम्बर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल कोड होगा लीगल कोड में सब कुछ आ जाता है लीगल कोड के अंदर लीगल कोड के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो भी आपके लॉज हैं जो भी आपकी ये सारी चीज़ें हैं वो सब आपकी लीगल कोड के अंदर आ जाती हैं इसके अलावा लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स तो जो लॉ है वो रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं तो वो स्पेसिफ़िक केसेस में भी अप्लाई होता है फ़ॉर एग्जांपल जैसे आईपीसी के सेक्शन हैं तो आईपीसी आईपीसी के जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं इंडियन पीनल कोड के तो वो सारे सेक्शन कैसे हैं वो सारे सेक्शन आपको अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो वो स्पेसिफिक रूल्स हैं ऐसा नहीं देखो एक तो लीगल कोड है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब पर अप्लाई हो रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको भी है मुझे भी है ठीक है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आपके लिए भी अप्लाई होता है मेरे लिए भी अप्लाई होता है वो सारी चीजें कॉमन हैं बट जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं लॉ इज अ सिस्टम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स तो कुछ रूल्स हैं फॉर एग्जाम्पल आपको अलग अलग रूल्स देखने को मिलते हैं इन इन रिस्पेक्ट ऑफ आई जैसे हम आई की अगर बात करें तो इंडियन पिनल कोड के अंदर आपको स्पेसिफिक रूल्स मिलते हैं कि हाँ अगर आपने ये वाला क्राइम करा तो आपको ये सज़ा मिलेगी एंड लाइक वाइज ठीक है इसके अलावा इंडिविजुअल एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी आल्सो ऑल दिस दिस इम्पर्सनल ऑर्डर जो भी इंडिविजुअल uh, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं अथॉरिटी वो भी इस चीज़ को इम्पर्सनल ऑर्डर को ऑबे करते हैं कुआ मेंबर जो होते हैं वो यहाँ पर ऑबे करते हैं लॉ को ठीक है जो जैसे आपने कॉजी जुडिशियल और इस तरीके के जो जो मेंबर्स होते हैं वो और आवीडि, जो ऑबिडियंस है इज़ नॉट टू द पर्सन हु होल्ड्स द अथॉरिटी बट टू द इम्पर्सनल ऑर्डर कोई भी ऑबिडियंस जो है वो ऐसा नहीं होता कि मान लो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति आप ऑबिडियंस करोगे ऐसा नहीं होगा आप इम्पर्सनल रहोगे ये एक अगला फीचर है ठीक है इसके अलावा इसके अलावा प्री बेबर ब्यूरोक्रेसी दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट वॉट डू यू मीन बाई प्री बेबर ब्यूरोक्रेसी प्री बेबर ब्यूरोक्रेसी का मतलब है दैट बेबर के पहले कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थे ठीक है बेबर के पहले कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थे ये है आपका प्री बेबर ब्यूरोक्रेसी तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉइंट दिया पॉइंट दिया गया है मिस्टर डी गॉडनी ठीक है तो ये पर्टिकुलर जो पर्सन है इस पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है बिकॉज ही इन्वेंटेड दिस पर्टिकुलर कीवर्ड वर्ड जिसे हम ब्यूरोक्रेसी बोल रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी का जो कीवर्ड है उसे इन्वेंट इन्हीं ने किया था जो मिस्टर डी गौरनी है इसके अलावा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जे uh, एस मिल का है जे एस मिल का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज एन एमिनेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट इंक्लूडेड ब्यूरोक्रेसी इन हिज एनालिसिस इन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी को अपने एनालिसिस में इंक्लूड किया था अब दो इंडिविजुअल हैं जिनका नाम है मोस्का और मिकल्स ठीक है मोस्का और मिकल्स और मोस्का जो है वो उन्होंने एक बुक लिखी थी रूलिंग क्लास और इस पर्टिकुलर बुक द रूलिंग क्लास में उन्होंने क्लासिफाई किया था पॉलिटिकल सिस्टम को फ्यूडल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में कितने सिस्टम में पॉलिटिकल सिस्टम को दो सिस्टम में क्लासिफाई किया था फ्यूडल सिस्टम एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ठीक है तो दो क्लासिफिकेशन है क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की बात हो रही है दैट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल ठीक है इसके अलावा जो मिकल्स हैं मिकल्स की बुक थी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्होंने बात की थी आयरन लॉ ऑफ ओलीगार ठीक है आयरन ऑफ आयरन लॉ जो है ओलीगारकी का वो बेसिकली ये कहता है दैट ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग होते हैं कुछ एलाइट होते हैं जो यहाँ पर पूरा ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं ठीक है ओलीगारकी का मतलब आपने पढ़ा होगा रूल ऑफ मैनी ठीक है दो चार का पाँच का दस का ग्रुप कुछ लोग होंगे जिनके पास पावर होगी और वो एक अपना रूल करेंगे आर्की का मतलब होता है रूल करना और ओलीगारकी मतलब कुछ लोगों का ओलिगो मतलब कुछ लोग ठीक है सम पीपल फाइव सिक्स सेवन टेन तो इस तरीके के कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं अभी आ रहा है ये माई ऑर्डेबिल विजबिल ओके सो प्री वेवर ब्यूरोक्रेसी जो है प्री वेबर ब्यूरोक्रेसी में ये आपको बता चुका था अब प्री वेबर ब्यूरोक्रेसी में आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको अभी नहीं दिखाई दिया ये चीज़ तो प्री वेबर ब्यूरोक्रेसी में देखो मिस्टर डी गोर्नी ये जो पर्सन है देखो जर्नी पढ़ा है तो जर्नी का ही जी हटा के जे हटा के जी कर दो इन्होंने इन्वेंट किया था इस की को ब्यूरोक्रेसी को ठीक है सो so, ब्यूरोक्रेसी इन्वेंट या डिफाइन जो है ठीक है ओके 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 सो प्री वेबर जो है उसमें आपको ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये इम्पोर्टेंट आपके इस एग्जामिनेशन के लिए इसलिए है क्योंकि यू ने अभी 2019 के पहले भी और पहले से भी ट्रेंड ये रहा है दैट दे आर आस्किंग पीछे ठीक है पीछे जाके पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल विल्सन के पहले उन्होंने पूछा था कि विल्सन जो हैं वो तो हैं ही उनके पहले बहुत से लोग हैं जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहे जा सकते थे लेकिन हम नहीं कहते हैं उसको एनालाइज करना था तो उसमें आपको कन्फ्यूसियस की सिविल सर्विसेज जो चाइना में थी वो लिखनी थी उसके अलावा आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखना था ने एकवरी लिखना था ये सारा बैकग्राउंड आपको वहाँ पर इन, उसमें इनकॉर्पोरेट करना था और लोग क्या करते हैं विल्सन से शुरुआत करते हैं और पीछे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि वो किसी बुक में दिया नहीं है प्रसाद एंड प्रसाद में भी उतना नहीं दिया है आपकी मोहित भट्टाचार्य में एक पैराग्राफ दिया है तो वो मैंने आपको पहले लेसन में भी बैकग्राउंड बताया हुआ था अब ऐसे ही कभी मान लो यू आगे जाके पूछ दे कि ब्यूरोक्रेसी के अलावा भी और और भी मॉडल हैं ठीक है थीके? तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि प्री बेबर ब्यूरोक्रेसी क्या होता है तो प्री बेबर ब्यूरोक्रेसी में सबसे पहले आप ये समझिए कि ब्यूरोक्रेसी का जो वर्ड है जो कीवर्ड है ब्यूरोक्रेसी वो कीवर्ड इन्वेंट किया था आपके मिस्टर डी जर्नी का जे हटा के जी कर दो इन्होंने इन्वेंट किया था तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है इसके अलावा जी एस मिल थे उन्होंने वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे ठीक है ये आपने एथिक्स में भी पढ़े होंगे पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट तो इन्होंने इंक्लूड किया था ब्यूरोक्रेसी इन हिज एनालिसिस तो एक और आपको नाम मिल गया जो आप कोट कर सकते हो आपके आंसर्स में इसके अलावा मॉस्का, मोस्का और मिकल्स ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं मोस्का ने क्या किया था ये मस्का नहीं है ये मॉस्का है ध्यान रखना इनकी बुक थी रूलिंग क्लास और इस बुक में इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया फ्यूडल और ब्यूरोक्रेटिक। फ्यूडल और ब्यूरोक्रेटिक फ्यूडल और ब्यूरोक्रेटिक क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया फ्यूडल और ब्यूरोक्रेटिक इसलिए हम कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पहले से था ठीक है रूल में बता दिया था उन्होंने पहले से कि ब्यूरोक्रेसी रूल करती है तीसरा जो है वो है मिकल्स ठीक है मिकल्स जो मैंने अभी बताया इनकी बुक थी पॉलिटिकल पार्टीज़ और इसमें इन्होंने कहा था आयरन लॉ ऑफ ओलीगार आयरन लॉ ऑफ ऑलीगार की कीवर्ड है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए याद रखना है इसको कहीं नोट डाउन कर लेना आयरन लॉ ऑफ ऑलीगारकी का मतलब है ओलीगार को अगर डिवाइड करोगे तो आर्की का मतलब होता है रूल और ऑलिगो मतलब होता है मैनी मतलब सिंगल नहीं है मोनो मोनार्की नहीं है मोनार्की क्या है सिंगल का रूल लेकिन ऑलिगार्की क्या है बहुत सारे लोगों का रूल तो ब्यूरोक्रेसी में जो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो रूल चलाते हैं ये इन्होंने बोला इसके अलावा चाइना में भी क्योंकि चाइना में जब हम यहाँ पर एनशियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एनशियट हिस्ट्री की बुक में जो कहीं नीचे साइड में वो नोट लिखे होते हैं वहाँ लिखा हुआ है कि चाइना ने उसी टाइम पे अपनी सिविल सर्विसेज शुरू कर दी थी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन वाली तो इसलिए कन्फ्यूसियस की जो चाइना में है कन्फ्यूसियस की फ़िलोसफी है वो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे भी मिल जाएगी इसके अलावा बेबेरियन मॉडल जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सोर्स ऑफ इंस्परेशन है बाकी सारे मॉडल में और ब्यूरोसी की डेफिनेशन जो है वो बेबर ने नहीं की बेबर ने कभी डिफाइन नहीं किया ब्यूरोक्रेसी को बस उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताई और वो कैरेक्टरिस्टिक थी डेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ उफ अपॉइंटेड ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल ये कैरेक्टरिस्टिक बताई अपॉइंटेड कह रहा है इलेक्टेड नहीं कह रहा इलेक्टेड कौन होते हैं जो हम चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू लेकिन अपॉइंटेड कौन हो गए यहाँ पर अपॉइंटेड वो लोग हो गए जिनको हमने नहीं चुना जो आपकी तरह यू सिविल सर्विसेज या कोई भी इस तरीके के सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं तो ये आपको दोनों अंतर याद होने चाहिए और आपको समझने चाहिए इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में जाने से पहले एजम्पन ये एजम्पन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी कंपैरिजन करोगे तो आप यूज़ कर सकते हो आपके आंसर्स में ठीक है तो एजम्सन क्या क्या है सबसे पहला है दैट क्लोज सिस्टम तो ये मॉडल जो है ये क्लोज्ड सिस्टम मॉडल था वट डू यू मीन बाई क्लोज्ड सिस्टम मैंने पहले भी बताया है मतलब बाहर का इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव ये कंसिडर नहीं करते थे सिर्फ क्लोज परस्पेक्टिव में चीज़ें समझते थे ठीक है इसके अलावा इन्होंने कहा था दैट एफिसियंसी का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स वट डू यू मीन बाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा कि एफिसियंसी का मतलब कि लोगों का भला हो जाए यहाँ सिर्फ ये यह कहा जा रहा है कि रूल्स फॉलो हो जाएं उसी को एफिशिएंसी कहा जाएगा ये इसका क्रिटिसिज्म भी है हम आगे पढ़ेंगे इसके अलावा पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी इन ये मानते थे उस चीज़ को वो चीज़ क्लियर हो जाएगी जब हम बेबर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे इसके अलावा इन्होंने बात करी ऑब्जेक्टिव जो इसका बताया वो था स्टेबिलिटी एंड कंटे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जनता की भलाई और ये सब उस टाइम पे चीजें नहीं थी वो सिर्फ इतना था दैट स्टेबिलिटी हो और कंटिन्यूटी रहे एडमिनिस्ट्रेशन में और लास्ट है कि मानते थे तो जितने भी क्लासिकल थिंकर्स हैं वो मानते थे दैट थेटी इज पॉसिबल बाद में हम जब एनालाइज करते जाएंगे थिंकर्स को तो एक हद वो आ जाएगी जब आपको पॉलिसी साइंटिस्ट जो वाई एजिकल ड्रॉर हैं वो एक ऑप्टिमम मॉडल देंगे डिसीजन मेकिंग का या पब्लिक पॉलिसी का वो कहेंगे रेशनेलिटी प्लस ठीक है, वो एंड आएगा बीच में आपको कुछ और थिंकर्स मिल जाएंगे जो बाउंडेड रेशनैलिटी की बात करेंगे जैसे चेस्टर बर्नार्ड, तो ये एक पूरी क्रोनोलॉजी है वो चलती चली जाएगी तो अभी के लिए अभी बेबर की ब्यूरोक्रेसी में ये आपको बैकग्राउंड देखने को मिलता है जो आप याद रखिएगा एजम्पन ये थे इसके अलावा इमरजेंस ऑफ ब्यूरोसी अब हम धीरे धीरे ब्यूरोसी को पूरा तोड़ मरोड़ के ख़त्म करेंगे इमरजेंस ऑफ ब्यूरोसी ब्यूरोसी कैसे आई ठीक है वट वॉज द यू कैन से इनिशिएशन ऑफ ब्यूरोसी ब्यूरोसी की एंट्री कैसे हुई इस पूरी पिक्चर में तो अगर ध्यान दोगे पूरे पर्टिकुलर टाइम पीरियड को सबसे पहले हुआ करता था फ्यूडलिज्म ठीक है क्या हुआ करता था फ्यूडलिज्म फ्यूडलज़म का मतलब है कि कुछ लोगों के पास लैंड होती थी कुछ लोगों के पास लैंड नहीं होती मतलब ज़मीन होती थी कुछ पे नहीं होती थी और उसी बेसिस पर वो एक क्लास बना था सोसाइटी में कि कुछ लोगों के पास ज़मीन है कुछ लोगों के पास नहीं है जिन लोगों के पास ज़मीन है वो अमीर थे जिनके पास नहीं है वो गरीब थे उसी बेसिस पर आपको और भी चीज़ें हैं जैसे आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करो तो यहाँ पे जो क्लास जो पूरा धर्म शास्त्र में जो आपने पढ़ा होगा दैट चार वर्ण थे चतुर वर्ण पढ़े होंगे तो ऐसे ही वेस्टर्न सोसाइटी में किसी के पास ज़मीन थी किसी के पास नहीं थी तो फ्यूडलिज्म हुआ करता था देखो फ्यूडलिज्म ऐसा है जहाँ पर आप अपने आप को बदल नहीं सकते आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं यूपीएससी क्रैक कर दूँ तो मेरा फ्यूडलिज्म चेंज हो जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं जिसके पास ज़मीन है वो अपना चलाते थे और ऐसे रूल चलता था फिर बाद में क्या हुआ कैपिटलिज़म आया कैपिटलिज़म आने की वजह से वर्कर्स जो थे वो अपना उनका क्या हुआ इनकम बढ़ी क्योंकि हमने अगर पिछला लेसन याद करो टेलर के टाइम पे क्या पड़ा था मेंटल रिवॉल्यूशन लोगों के पास पैसे पैसे बढ़ गए थे कैपिटलिज्म आया कैपिटलिज्म बढ़ा और कैपिटलिज्म की वजह से लोगों ने क्योंकि वहां पर एक कैपिटलिज्म एक के साथ साथ क्या हुआ कैपिटलिज्म जब आएगा तो इक्वेलिटी भी आएगी ठीक है वो क्यों आएगी वैसे तो हम कैपिटलिज्म का विरोध करते हैं दैट ऐसा होता है यहाँ पे क्लास जो है वो ऐसे आ, कुछ फ़ायदे में रहते हैं कुछ घाटे में रहते हैं इनका मोटिव ही गलत होता है एंड ऑल लेकिन कैप ये मोहित भट्टाचार्य में अलग से दिया गया है अलग से नहीं कहीं लाइनों के बीच में आपको मिलेगा दैट कैपिटलिज्म की वजह से डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी की एंट्री हुई इसको अगर आपको प्रूव करना है यहाँ पर देखो कैपिटलिज्म की बुराई नहीं कर रहे कि कैपिटलिज्म जो होता है वो क्लास का एक्सप्लाइटेशन करता है एंड ऑल यहाँ हम ये कह रहे हैं दैट कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म में अगर कंपेयर करो पहले ऐसा नहीं था कि आप जमीन कुछ करके आपको जमीन मिल जाएगी लेकिन जब कैपिटलिज्म आया तो आप पैसे कमाओ ठीक है आप आप वर्क करो वर्क करने के बाद आप अपना सोसाइटी में स्टेटस बढ़ाओ एंड ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल मतलब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हो अगर आप आपके अंदर हुनर है कैपेबिलिटी है देखो कैपिटलिज्म बुरा उनके लिए है जब इक्वलिटी की बात आती है लेकिन अगर आप अगर इफ़ यू आर टैलेंटेड यू विल अर्न मोर इन इन द कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड ठीक है क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब रहता है आपने देखा होगा प्राइवेट जॉब में एक गवर्नमेंट जॉब में आराम है लेकिन अगर वो उनके लिए है जो काम नहीं करते तो पैसे मिलते रहते बराबर लेकिन कैपिटलिज्म जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे आराम नहीं है लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो वो बहुत ज़्यादा उतना ग्रोथ जो है वो प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ नहीं होती जितनी प्राइवेट में हो सकती है तो वो चीज़ है ग्रोथ होने लगी लोगों की और इसकी वजह से क्योंकि ग्रोथ होने लगी और धीरे धीरे सोसाइटी बराबरी पे आने लगी तो फिर आपने देखा होगा कि वोटिंग राइट्स फॉर वीमेन और ये सब चीज़ें आने लगी और धीरे धीरे इक्वलिटी की वजह से डेमोक्रेसी आ गई और डेमोक्रेसी की वजह से हम पिछले लेसन में भी पढ़े थे कि डेमोक्रेसी जो होती है वो कैसी होती है डेमोक्रेसी के अंदर रूल होता है डेमोक्रेसी के अंदर जब रूल होता है तो पावर जो है वो किसके पास जाती है गवर्नमेंट के पास अब गवर्नमेंट तो है सी और उसके अंदर काम है इतना सारा बहुत ज़्यादा तो इस वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने आप आ गई तो इस तरीके से इमरजेंस हुआ ब्यूरोक्रेसी का तो कोई भी एनालिसिस आपको क्वेश्चन आ जाए दैट कैपिटलिज्म लीड्स टू ब्यूरोक्रेसी और फ्यूडलिज्म से रिलेटेड कोई लिंक बना के क्वेश्चन आ जाए तो आप इस एनालिसिस को प्रजेंट कर सकते हैं इसके अलावा टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी ब्यूरो दो तरीके की होती हैं जो हम अभी ब्यूरोक्रेसी पढ़ रहे हैं दो तरीके का होता है पेट्रीमोनियल और लीगल रेशनल पेट्रीमोनियल में जो अभी हम पढ़ चुके थे जो दो हमने पढ़े हुए थे ट्रेडिशनल जो हमने टाइप्स ऑफ अथॉरिटी पढ़ा था यहाँ पर आप देख पा रहे हो टाइप्स ऑफ अथॉरिटी कितना पड़ा ट्रेडिशनल चेरिज्मेटिक और लीगल रेशनल ट्रेडिशनल चेरिज्मेटिक का कॉम्बिनेशन पेट्रीमोनियल होता है और लीगल रेशनल अथॉरिटी को ही डायरेक्ट लीगल रेशनल ब्यूरोक्रेसी कहा जा रहा है ठीक है सो so ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे दैट पेट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेसी इज देयर और लीगल रेशनल ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो देयर ठीक है ये दोनों हैं और पेट्रीमोनियल में सिर्फ वही दो का एड ऑन करके आपको समझना है नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीगल रेशनल ब्यूरोक्रेसी लीगल ब्यूरोक्रेसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है तो ये हाईलाइटेड की याद रखना ऑफिशियल बिजनेस जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पर होगा यानी कोई भी जो ऑफिशियल बिजनेस है बाउंडेड रेशनैलिटी इज एंट यस यस ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग और वो आगे बोलेंगे तो वही मैंने बोला कि रेशनैलिटी पर भी एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे वो इवॉल्व होती चली गई ठीक है तो इस तरीके का पॉइंट है नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीगल रेशनल ब्यूरोक्रेसी तो क्या क्या लीगल रेशनल ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक हैं इम्पॉर्टेंट हैं याद रखना इनको सबसे पहले ऑफिशियल बिजनेस जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पर होना चाहिए ऑफिशियल बिजनेस शुड बी कंडक्टेड ऑन कंटिन्यूस बेसिस तो एक कंटिन्यूस तरीके से ऑफिशियल बिजनेस होता है इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है दैट अकॉर्डिंग टू स्टुलेटेड रूल्स होना चाहिए और इंटर रिलेटेड जो थ्री एट्रीब्यूट्स हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए तो यहाँ पर थ्री एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं दैट पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफिशियल जो है वो वो एक तरीके से डीलिमिटेड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इमपर्सनल क्राइटेरिया कोई पर्सनल पर्सनल चीज़ें नहीं आनी चाहिए ना जो हम पढ़ते हैं ना एम पी फॉलेट जब आप आगे पढ़ोगे तो उन्होंने डी पर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर की बात की थी मतलब अगर बॉस और एम्प्लॉई है तो पर्सनल ऑर्डर नहीं होने चाहिए ठीक है तो पर्सनल ऑर्डर अगर होंगे तो गलत बात है तो पर्सनल ऑर्डर नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए दैट योर बॉस इज़ यूजिंग यू फॉर गार्डनिंग और फॉर कुकिंग और ये सब के ठीक है कि वो ये कर दो वो कर दो साफ सफाई बच्चों को कोचिंग पढ़ा दो ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए ना तो आपने ये सब चीजें देखी होंगी मूवीज में देखा होगा दैट वो जो बॉस होते हैं वो कह देते हैं कि जाओ एयरपोर्ट से हमारी बे, बेटी आ रही है उनको लेके आओ वहां से ठीक है पिक करके आओ तो ये सारी चीजें आपने देखी होंगी ये सब इमपर्सनल ये सब पर्सनल क्राइटेरियाज हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है ऐसे कोई बॉस आपने आपके गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होने चाहिए ठीक है ऑफिशियल बिजनेस ऑफिशियल चीज़ों तक रहना चाहिए इसके अलावा दूसरा क्या है ऑफिशियल इज़ गिवन इन मैचिंग अथॉरिटी ठीक है तो ऑफिशियल जो है वो मैचिंग अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल हमने अगर अगर आपको याद होगा फ़ियोल के अंदर हमने किसकी बात करी थी फियोल के अंदर हमने बात करी थी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड कमेंसूरेट विद ईच अदर ठीक है यानी अगर किसी को काम दे रहे हो तो उसे अथॉरिटी भी दो और अगर किसी को अथॉरिटी दे दी है तो उसे काम भी दे दो क्योंकि अगर आपने अथॉरिटी दे दी और काम नहीं दिया तो अथॉरिटी का क्या हो जाएगा मिस हो जाएगा और अगर आपने काम दे दिया और अथॉरिटी नहीं दी तो उसका क्या हो जाएगा मीनिंगस uh, हो जाएगी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को मतलब मैंने एग्जांपल दिए हुए थे अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा अगर आपने नहीं देखा है तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा हैंनरी फ्योल वाला इसके अलावा मीन्स ऑफ कंपल्शन ऑफ इज डिस्पोजल आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड एंड ऑल दोज थिंग्स ठीक है तो ये तीन एट्रीब्यूट्स बताएं इसके अलावा आपको बाकी सारी चीज़ें हाईलाइटेड दिख ही रही हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी ऑफिशियल इज़ अ पार्ट ऑफ हैरारकी हैरारकी इम्पॉर्टेंट है हैरारकी इम्पॉर्टेंट इसलिए हैरारकी का मतलब मैंने बहुत बार बताया हैनरी फ्योल में भी बताया हुआ है कि एक पूरी जो चेन होती है जैसे स्केलर चेन नाम से हमने इसको पढ़ा था फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हरारकी का मतलब होता है कि हर ऑफिस का एक सबॉर्डिनेट नीचे होगा ऊपर होगा तो एक पूरी चेन बनती चली जाएगी इसके अलावा इन्होंने बोला डेट ऑफिशियल जो है ओन नहीं करेंगे रिसोर्सेज को ठीक है हाँ तो ये सब चीज़ें होती हैं पीएचडी स्टूडेंट्स तो वो भी चीज़ यहां पर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसके अलावा ऑफिशियल डू नॉट ओन द रिसोर्सेज ऐसा नहीं है देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अगर कोई बंदा ड्राइवर है मान लो लेट्स से देर इज अ गवर्नमेंट ड्राइवर गवर्नमेंट ड्राइवर या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में कोई ड्राइवर है सो so ऐसा नहीं है दैट वो गाड़ी ले अपने घर पर जाके और अपने मतलब पार्टी वार्टी में कहीं जाना है तो गाड़ी ले घूम रहे हैं सरकारी वाली है एम्बेसडर तो ऐसा नहीं होना है ठीक है ऐसा नहीं करना है पेट्रोल उसका यूज़ नहीं करना है ऐसा नहीं है कि पेट्रोल निकाल के बेच दिया ऐसा नहीं करना है ठीक है ऐसे काम नहीं होंगे इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई अगर कोई अगर स्टोर कीपर है किसी कॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि वहां का जो ऑफिशियल चीजें हैं वो घर पर यूज करें ऐसा नहीं है ठीक है कुछ भी ऐसा नहीं करने का तो ये सारी चीज़ें क्योंकि ये सब करप्शन में भी आता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी ये सारी चीज़ें आती हैं और यहाँ पर लीगल रेशनल ब्यूरोसी में भी ये सारी चीजें बैबर ने पहले ही बोली थी इसके अलावा ऑफिस कैन नॉट बी फिल्ड बाई इनकम्बेंट्स एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी अब ये चीज़ आपने देखी होगी अगर कोई भी कॉलेज होता है कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में तो वहाँ के जो एच होते हैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट तो वो अपने सब जान पहचान वालों को उसमें टीचर बना देते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ऑफिस नहीं फिल करेगा इनकमेंट ठीक है तो इनकमेंट मतलब जो ऑफिस ऑफिस में है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एच ओ हूँ किसी डिपार्टमेंट का तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब उसकी मतलब जो जो टीचर्स की वैकेंसी है या कुछ भी मैं उसका यूज़ ऐसे ना करूँ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह किसी को भी रख रहे हैं ठीक है सो दिस इज़ दिस इज़ ईर और रिटन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए चीजें जो हैं वो रिटन पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए ठीक है तो ये आपको समझ आता है तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ठीक है इसके अलावा इसी कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा और अगर रेक्टिफाई करोगे तो आप ये सारे कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे ये सारे कीवर्ड्स क्या-क्या हैं हैरारकी मैंने बता दिया है ठीक है हेरारकी मैं समझा चुका हूँ इमपर्सनल ऑर्डर आगे जब फॉलेट की बात आएगी एम पी फॉलेट की बात आ जाएगी तो वो भी यही कहेंगी डी पर्सनलाइजिंग द ऑर्डर मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है ना जो आपने पी एच डी का एग्ज़ाम्पल दिया दैट थिंग इज़ ऑल्सो देयर के ऐसे यूज़ किया जाता है तो वो नहीं होना चाहिए कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होना चाहिए इस्पेयर ऑफ कॉम्पिटेंस इस्पेयर ऑफ कॉम्पिटेंस कुछ नहीं है इस्पेयर ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब वही है दैट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कमेंसूरेट करनी चाहिए वही आपका स्पेयर ऑफ कॉम्पिटेंस है और रिटन रिकॉर्ड्स तो एक तरीके का क्या है कि अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा सा इमेजेस के फॉर्म में याद रख लो ठीक है कि हरार है इम्पर्सनल ऑर्डर है स्पेयर ऑफ कॉम्पिटेंस है और रिटन रिकॉर्ड्स है इसके अलावा एलिमेंट्स कुछ और हैं सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक एंड्स ठीक है personal ends, कुछ होते हैं पर्सनल एंड्स और कुछ होते हैं पब्लिक एंड्स तो दोनों को सेपरेट रखना है सेपरेट का मतलब है कि जो हमने देखा था जो हैंनरी फ्योल अगर आपको याद हो हैंनरी फ्योल के अंदर हमने एक एक प्रिंसिपल पढ़ा था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट अंडर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट वो यही चीज़ थी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि निखर के सामने आ रहा है इंडिविजुअल इंटरेस्ट ठीक है ऐसा नहीं है ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट रहना चाहिए ऊपर सर्वोपरि होना चाहिए जैसा नहीं वो देश सबसे ऊपर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये सब तो बात की बात है ना तो उसी तरीके से पर्सनल इंटरेस्ट अलग है पब्लिक इंटरेस्ट अलग है दोनों का सेपरेशन होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर इसके अलावा रूल्स होने चाहिए तो रूल्स आपको पता ही है रूल्स जो हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं और मोनोक्रेटिक टाइप है ये मोनोक्रेटिक मतलब सिंगल जो एक तरीके का मोनोटोनस यहाँ पर इन्वायरमेंट रहता है ठीक है सो दीज आर द एलिमेंट्स इसके अलावा लिमिट्स ऑन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है देखो अब बैबर जो है मैं कहता हूँ मैंने हर थिंकर में मैंने आपको बताया है कि हर थिंकर कोई ऐसा थिंकर नहीं है जो मतलब अपने अपना क्रिटिसिज्म ख़ुद नहीं कर रहा हर थिंकर ये हो सकता है यूपीएससी किसी एग्जाम में 2020 हज़ार बीस इक्कीस बाईस कभी ऐसा भी पूछ दे कि एवरी थिंकर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मीडियोकर ठीक है खुद ही से वो अपने आप को जानते हैं कि हम गलत कुछ कर रहे हैं कुछ यहाँ कमियाँ हैं हमारी थियरीज में कोई ऐसा नहीं कह रहा कि हम ही भगवान हैं और हमारा ही हम जो कह रहे हैं वही वही यहाँ पर रूल चलेगा और सम थिंग सॉर्ट ऑफ दैट थिंग कोई ऐसा नहीं कह रहा चाहे फ्योल हो तो फिल ने भी कह दिया था कि हम ऐसा कर तो रहे हैं लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी भी होती हैं ठीक है, है? वहां पर भी उन्होंने ऐसा कहा ठीक है या जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलर तो टेलर ने भी कह दिया था कि ये जो भी मैं इतना ज्यादा रिवडली जो भी मैं काम कर रहा हूँ डी कर रहा हूँ स्टॉप वॉच लगा के करवा रहा हूँ मेरा मकसद प्रोडक्टिविटी है उसी में सबका भला है ठीक थी, है थोड़ा मैं हो सकता हूँ रिवड रि लग रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है अंदर से मैं सबका भला चाहता हूँ ठीक है मैं भले ही मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं लॉकडाउन करा करा रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ है ना ऐसे करके तो ऐसा वहां पर भी था सिमिलरली यहाँ पर देखने को मिलेगा जो ये थिंकर हैं मैक्स वेबर इन्होंने अभी खुद ही बोल दिया है दैट व्हाट आर द लिमिट्स ऑन ब्यूरोक्रेसी ठीक है ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो खुद जानते थे कि ब्यूरोक्रेसी इज सो पावरफुल ठीक है कि एक बार अगर इसने पावर एकूमलेट कर ली फिर कुछ ना हो पाएगा ठीक है बहुत रिजिड हो जाएगी और पूरा रूल यही चलाएंगे क्योंकि एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है जैसे हम अनबैलेंस्ड पॉलिटी के नाम से जानते हैं जब हम रिक्स की बारे में बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि अनबैलेंस्ड पॉलिटी नाम का कॉन्सेप्ट आएगा उसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिशियन तो बेचारे भोले भाले होते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता है ठीक है वैसे उन्हें बहुत कुछ पता होता है ठीक है लेकिन जब बात आती है टेक्निकल पर्सपेक्टिव की तो उन्हें पता नहीं होता है और ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा पता होता है हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी इन्वायरमेंट ठीक है सब पढ़ा होता है तो बहुत कुछ पता होता है तो पॉलिटिकल जो चीज़ें है, हैं उनमें ब्यूरोक्रेसी अपना रूल एक तरीके से चलाती है लेकिन पॉलिटिशियन को कुछ समझ नहीं आता अब पॉलिटिशियन थोड़ी ना फिजिकल डेफिजिट और ये सब इतना ज़्यादा डिटेल में समझते हैं चीज़ों को ठीक है तो इस वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत पावरफुल है ठीक है और इस वजह से उन्होंने खुद ही लिमिट दे दी ब्यूरोक्रेसी की तो कॉलीजिएलिटी की बात करी ठीक है कॉलीजियलिटी कॉलीजियलिटी जैसे यहाँ पर कलीग्स पढ़ा होगा आपने तो ऐसे ही बात करी कि कोई भी डिसीज़न है तो अकेले ब्यूरोक्रेट्स ना लें पॉलिटिशियन भी उसमें हो इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ एक ही पर्टिकुलर बंदे को सारी पावर दे दी जाए पावर डिवाइडेड रहती हैं इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि पावर जो है वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को नहीं दी गई है पावर को सेपरेट किया गया है पॉलिटिक्स के साथ डिवाइड किया गया है पॉलिटिशियंस के साथ डिवाइड किया गया है एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन ये भी एक ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी इज़ लाइक दैट पावरफुल कह सकते हो कुछ कुछ भी ऐसा है जो बहुत पावरफुल है अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो वो तबाही मचा देगा दैट्स वाई ये बहुत सारी लिमिट बताई एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जो एन होते हैं सिविल सोसाइटीज़ होती हैं जो आर एक्टिविस्ट होते हैं ये सारे लोग क्या करते रहते हैं ये सारे लोग आर फाइल करते हैं सोशल ऑडिट के थ्रू सिटीजन चार्टर के थ्रू कंट्रोल करते हैं ठीक है ये एन वगैरह आपने देखा होगा कुछ भी गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है तो एन वगैरह ये चीज़ें पोल खोल देते हैं है ना या ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी ठीक है आर टी आई एक्टिविस्ट उनका काम ही ये है वो दिन रात आर फाइल करते रहते हैं है ना ऐसे ऐसे एन हैं ठीक है तो जैसे लोकपाल है गवर्नमेंट बना नहीं रही थी गवर्नमेंट बहुत टाइम से लोकपाल एक्ट 2013 में पास हो गया और अभी 2019 में वो बन पाया क्यों क्योंकि 2019 में अभी वो कॉमन कॉज नाम का एनजीओ जी वापस उसने पी वगैरह वो फाइल कर दी कि नहीं कर रहे ये लोग आप ही कुछ बताओ तो ऐसे बहुत सारे एन हैं जो ऐसे कंट्रोल करते हैं ठीक है और इसके अलावा एन तो कंट्रोल कर ही लेते हैं फिर जनता कैसे पीछे हट जाएगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ ऑलसो देयर फॉर एग्जाम्पल ग्राम सभा ग्राम सभा कैसे करती है काम ग्राम सभा में थोड़ी ना ब्यूरोक्रेसी काम करती है वहाँ तो जो लोग हैं जो वहाँ पे जो ग्राम जो पूरा गांव है वहाँ के जो ग्राम सभा बनी हुई है जो भी लोग हैं वो आते हैं डिसीज़न मेकिंग होती है ठीक है तो वहाँ पे डायरेक्ट लोग डिसीजन ले रहे हैं तो वहाँ पर भी एक तरीके का ब्यूरोक्रेटिक रोल नहीं है लिमिट लग गई ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगा दी गई ठीक है और इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी में हर तरीके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में रिज़र्वेशन नहीं देंगे है ना ऐसा अगर कर दोगे तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन कोई बढ़ जाएगा वहाँ पे सो दैट्स वाई रिज़र्वेशन सिस्टम वैसे ही है तो ऑलरेडी वो जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो हर तरीके के लोग आने चाहिए वो वैसे ही आते हैं ठीक है हर कास्ट सोसाइटी और रिलीजन हर हर जेंडर हर लोग हर तरीके के लोग आते हैं तो उसमें बहुत सारा वेरिएशन भी है ठीक है तो तो ये ये हैं ब्यूरोक्रेसी की इसके अलावा थोड़ा 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 मैंने आज सा जादा -जादा की हुई है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा ऐसे समझ जाओगे अच्छे क्रिटिसिज्म है, है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट वेरी कुछ भी लगा दो उतना इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्यूरोक्रेसी का ठीक है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से लगातार आए हैं और लगातार आने का कारण ये है कि यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो अगर आपने नहीं आप उनसे गेट उनको अगर आप नहीं जानते हैं अगर उन, आपने उनको नहीं समझा हुआ है तो आप उनका मतलब तो दूर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे आंसर तो दूर की बात है सो दैट्स वाई फिर लोग कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पता नहीं कहाँ के क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते आंसर कहाँ से लिखें तो दैट्स वाई ब्यूरोसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसका क्रिटिसिजम जो अभी तक पढ़ा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है सबसे पहला जो है वो है ट्रेंड इन कैपेसिटी ठीक है ट्रेंड इन कैपेसिटी हम थोड़ा आगे जाके थिंकर से रिलेट करके भी पढ़ेंगे ट्रेंड इन कैपेसिटी के अलावा है स्ट्रेटराइजन इस्ट्रेटराइजन का मतलब है रीज़न ऑफ स्टेट इस्ट्रेटराइजन का मतलब क्या है रीज़न ऑफ स्टेट रीज़न ऑफ स्टेट से हमारा मतलब ये है दैट ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि अगर आप उसको कुछ अगर आप ब्यूरोक्रेसी को कुछ यहाँ पर कहते हो दैट ब्यूरोक्रेसी uh, को आपने कुछ भी काम दिया ठीक है ब्यूरोक्रेसी मतलब आई एस ऑफिसर्स कुछ भी काम दिया देन वट विल वॉट विल बी द रिएक्शन वो कहेंगे कि ठीक है आप काम हो जाएगा पावर दे जाओ थोड़ी सी ठीक है तो मतलब वो लोग ये नहीं कहते कि काम हो जाएगा पैसे दे दो वो कहते हैं काम हो जाएगा थोड़ी और पावर दे दो काम हो जाएगा आपको कुछ भी करवाना है आपको आप ब्यूरोक्रेट bureaucrate, ब्यूरोक्रेट्स को कह रहे हो कि आपको मतलब कोई भी लॉ आप कर रहे हो तो वो कहते हैं हमें थोड़ी और पावर दे दो उनसे कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये अकाउंटेबल नहीं है या मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है तो ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि ठीक है एक लॉ बनाओ लोकपाल पावर दो हमें हम करते हैं हिसाब ठीक है लोकपाल एक्ट आ गया तो कुछ भी करने को कहोगे वो कहेंगे पावर दे दो ठीक है स्ट्रेटराइजन रीजन ऑफ द स्टेट रीजन ऑफ स्टेट इसका कीवर्ड का मतलब है स्ट्रेटराइजन का मतलब तो दे विल आस्क फॉर पावर ठीक है उन्हें बस पावर एकूमलेट करने से मतलब है काम तो हम बाद में करेंगे पहले थोड़ी सी पावर ठीक है क्योंकि आपने भी सुना होगा अभी मैं पूछ दूं कि आई क्यों बनना है तो आधे लोग कह देो पावर के लिए ठीक है तो वही इनका रहता है बाद में भी आपका यही रहेगा कि पावर और होनी चाहिए सो वो पावर वाली जो वर्शिप है या पावर वर्शिप वर्क इस वर्शिप की जगह जो पावर वर्शिप है वही स्ट्रेटराइजन है ठीक है अब इसको याद रखना है स्ट्रेटराइजन ये कॉन्सेप्ट यही है दैट पावर और चाहिए ठीक है काम हो जाएगा आप मतलब हमें चांद पर भेज दो हमें मंगल ग्रह पर भेज दो कोई दिक्कत नहीं है पावर हमें दे दो बस ठीक है तो पावर चाहिए बस ठीक है कुछ भी करवा लो बस पावर दे दो ठीक है समझ में आएगा बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका इसके अलावा इंटरनल इनकनसिस्टेंसी भी हम अगले में आ, मैं अगली स्लाइड में मैंने थिंकर के नाम के साथ रखा हुआ है वहाँ पढ़ेंगे न्यू डेस्पोटिज्म ये दूसरा कीवर्ड न्यू डेस्पोटिज्म का मतलब है यस रियल रीज़न इज ऑलवेज़ पावर तो यही है इसके अलावा न्यू डेस्पोटिज्म डेस्पोटिज्म डेस्पोटिस्टिक किसको बोलते हैं डेस्पोटिक पढ़ा होगा आपने ये जो रूलर्स होते थे राजा महाराजा टाइप के उनको डेस्पोटिक बोला जाता था कि डेस्पोटिक रूलर है या डेस्पोटिक ने, नेचर है सोसाइटी का तो ये एक न्यू डि डेस्पोटिज़्म है ये कीवर्ड है जो आप यूज़ कर दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ठीक है न्यू डेस्पोटिज्म मतलब एक तरीके का उसका रिवाइवल देखने को मिल रहा है ठीक है इसके अलावा जो दो कीवर्ड मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वो आगे आने वाली स्लाइड्स में थिंक करके साथ दिए हुए हैं मैंने इसको बहुत डीपली कवर किया है क्योंकि ये क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन हर साल आते हैं और बस वेरिएशन आता है कहीं ना कहीं किसी कीवर्ड में ठीक है तो कीवर्ड्स के साथ क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर को ट्रेंड एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ ठीक है इसके अलावा पीटर ब्लाउ पीटर ब्लाउ का क्या क्रिटिसिज्म था पीटर ब्लाउ ने बात की थी टेम्प्ररी स्टेट की टेम्प्रेरी स्टेट देखो इनका पूरा स्टेटमेंट है लेकिन मैं सिर्फ कीवर्ड पे आपको ध्यान देना चाह रहा हूँ ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ उसका रीज़न ये है कि कीवर्ड से ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है ट्रेंड एनालिसिस में ये पाया गया ठीक है तो टेम्प्ररी स्टेट पीटर ब्लाउ ने टेम्प्ररी स्टेट बोला टेम्प्ररी सोसाइटी बोला उन्होंने बोला कि जो ये पूरा ब्यूरोसी है ये एक स्टेबल कंडीशन में क्योंकि इसका एजमसन क्या था क्लोज्ड सिस्टम लेकिन अगर सिस्टम क्लोज तो है ही नहीं पहली बात तो यही है सिस्टम में बहुत सारे एक्सटर्नल इवेंट्स इंटरनल इवेंट्स बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता रहता है है ना जैसे अब ब्यूरोक्रेसी तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम काम करते हुए दिखेगी लेकिन वो चेंज होता रहता है तो इन्होंने दैट सोसाइटी इज़ टेम्पररी और टेम्प्ररी नेचर की वजह से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान है नहीं जितनी लगती हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्टेबल इन्वायरमेंट के लिए आप, आपकी सबसे ज़्यादा ईजी रहती है ठीक है सो दैट्स वाई उन्होंने पीटर ब्लाउ ने टेम्प्ररी सोसाइटी नाम का क्रिटिसिजम दिया दैट सोसाइटी इज टेम्प्ररी सोसाइटी में कहीं कोरोना वायरस आ जाएगा फिर कहीं कुछ और चलने लगेगा न्यूज़ में मीडिया में फिर कुछ और आने लगेगा ठीक है कहीं ये वे? तो फायरिंग फाइटिंग मॉडल ऑफ गवर्नेंस फायरिंग फाइटिंग मॉडल ऑफ गवर्नेंस चल रहा है आजकल ठीक है एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है दंगे हो पाए कोरोना वायरस आ गया कोरोना वायरस खत्म होगा फिर कुछ और आ जाएगा ऐसे चलता रहेगा ठीक है तो टेम्प्रेरी सोसाइटी रहती है कुछ ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेसी क्लोज सिस्टम आप करके समझ लो दैट्स वाई उन्होंने ऐसे क्रिटिसाइज़ किया तो पीटर ब्लाउ ने ऐसा कुछ कहा ठीक है याद रखना जैसे ब्लाबला होता है ना तो ब्लाबला करते हुए अगर कुछ कुछ पढ़ते हुए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं ब्लाब्लाबला कर दूँ तो ब्लाबला हमेशा कोई थोड़ी ना करेगा टेम्प्ररी पर्स्पेक्टिव से थोड़ी देर के लिए करेगा तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसके अलावा एल्विन एलवेंटलर और ये आपको ये जो एलवेंटलर का क्रिटिसिज्म क्या था वो था फ्यूचर शॉक फ्यूचर शॉक का मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा एक्टिव ऐसी नहीं है कि जो आप टेम्प्रेरी सोसाइटी में पढ़ रहे हो ना उसी तरीके से फ्यूचर शौक है कि फ्यूचर में आने वाले जो जो झटके हैं है ना जो भी शॉक आएंगे वो ब्यूरोक्रेसी मतलब हमें डाउट है कि हैंडल वेंडल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ठीक है इस तरीके की चीज़ें क्योंकि वो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है ठीक है ये वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोली गई और एल्विन गोल्डनर एलविन गोल्डनर जो हैं उन्होंने बात करी गई कि रूल से टेंशन बढ़ती है जो रूल अगर आप नए नए रूल बनाओगे तो टेंशन बढ़ती है टेंशन बढ़ती है मतलब जो रूलर हैं और रूल्ड हैं और जो इंटायर ब्यूरोक्रेसी है और जो एंटायर सिस्टम है उसमें टेंशन क्रिएट होती है फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी रिफॉर्म लेके आओ तो टेंशन तो क्रिएट होती है ना जी एस लेके आ जाओगे तो जो भी मतलब क्या बोलते हैं ब्यू जी लेके आ जाओगे तो जो भी लोग उसको उनको फाइल करना है जीएसटी तो उनको टेंशन उनकी लाइफ में टेंशन ठीक है या फॉर एग्जांपल कुछ भी आप रिफ़ॉर्म कर दो लेटर एंट्री का रिफ़ॉर्म लेके आओ तो फिर वहाँ पे लोगों को टेंशन हो जाएगी तो रूल्स अगर एडिशन करोगे तो टेंशन आएगी तो इन्होंने डिवाइड भी किया था ब्यूरोक्रेसी को दो तरीके की ठीक है एक होती है पनिशमेंट सेंट्रिक और दूसरी होती है रिप्रेजेंटेटिव पनिशमेंट सेंट्रिक वो वाली है जो एक्सेप्ट नहीं करती चीज़ों को जल्दी और रिप्रेजेंटेटिव जो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है जो भी

सॉरी uh, रेशनेलिटी को दो में डिवाइड किया ऑर्गेनाइजेशनल रेशनेलिटी और सिस्टमिक रेशनेलिटी ध्यान रहे सिस्टमिक लिखा है कोई टाइपिंग एरर नहीं है नहीं तो ऐसा मत कर लेना कि टाइपिंग एरर है और सिस्टमेटिक लगा दो तो ध्यान रखना सिस्टमिक ही है ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल रेशनेलिटी का मतलब है कि हम रूल वगैरह को अप्लाई कर रहे हैं विदाउट कंसीडरिंग ह्यूमन वगैरह के वो उसे अडेप्ट कैसे करेंगे एंड ऑल हम सीधा रूल्स पर फोकस कर रहे हैं उसे ऑर्गेनाइजेशनल रेशनेलिटी कहा जा रहा है मतलब रूल्स अप्लाई किए जाओ करते जाओ बिना सोचे कि इसका फ़र्क क्या पड़ेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशनल रेशनैलिटी है सिस्टमिक क्या है जब वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी अडेप्ट कर रही है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो उसमें अडेप्ट कर रही है ना जैसे वो होता है ना ढल जाते हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्ट जाते हैं तो वो जो अडेप्ट के बाद जो चीज़ें अप्लाई की जाती हैं उसके ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें अप्लाई की जाती हैं उसे ये कहा जाता है उसे कहा जाता है सिस्टमिक रेशनैलिटी ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशनल रेशनैलिटी और सिस्टमिक रेशनैलिटी तो यही क्रिटिसिज्म है इसका कि ऑर्गेनाइजेशनल रेशनैलिटी लाने में ज्यादा ध्यान रहता है रूल्स लाने में ज्यादा ध्यान रहता है लेकिन जो सिस्टमिक कि लोग एडेप्ट कैसे करें उस पर कम ध्यान रहता है मतलब ऐसे समझ सकते हो दैट फॉर्मुलेसन तो करते रहते हैं इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान नहीं देते कि वो इम्प्लीमेंट उसका रियलिटी के बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है है ना जो हमने बिल्सन के में भी पढ़ा था दैट इट इज़ ईजी टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैन टू इम्प्लीमेंट द वन ठीक है इम्प्लीमेंट करना कठिन कर होता है लिखना बहुत ईजी होता है ऐसे ही जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी ठीक है सिस्टमिक मीन्स डीप रूटेड डीप रूटेड नहीं इसका मतलब अडेप्शन से है अडेप्शन का मतलब कि जो रूल आप अप्लाई कर रहे हो वो ब्यूरोक्रेसी कैसे अडेप्ट करेगी उनके उनको उनके बाद उनके लगने के बाद उनको अप्लाई करने के बाद ब्यूरोक्रेसी उसको जो करेगी उसको पर्टिकुलर सिस्टमिक रेशनैलिटी कहा जा रहा है तो हमारा फोकस जब हम कोई रिफॉर्म ला रहे होते हैं तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल रेशनेलिटी पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं ब्यूरोक्रेसी के रूल में क्योंकि हम रूल्स पर ध्यान देते हैं आपने देखा होगा दैट हम रूल्स पर ध्यान देते रहते हैं उनको इंप्लीमेंट करने पर उतना ध्यान नहीं देते हम ध्यान इस पर तो दे रहे हैं दैट सी लाना है ठीक है विदाउट विदाउट अफेक्टिंग योर sentiments एंड ऑल सी ए लाने पर तो हमारा बहुत ध्यान है लेकिन उनको भेजना है कहाँ है, उस पर कोई ध्यान नहीं है ठीक है तो एडेप्ट कैसे करोगे उसके बाद उस पर कोई ध्यान नहीं है बस सी ए लाना है सी ए लाना है बांग्लादेश से कोई बात नहीं हुई उसके बारे में है ना और ये सब जो चीज़ें हैं ठीक है वो अप्लाई जैसे एन आर सी नेशन बाइट करनी है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा बॉर्डर के उस तरफ़ कैसे भेजा जाएगा या वहीं पर उनको बस उनको उसको, मतलब, जो मतलब जो डिटेंशन कैंप है वहीं पर मतलब रख दिया जाएगा फिर उसके बाद वहाँ पर क्योंकि अगर ऐसे रख दोगे तो अपने आप ह्यूमन नेचर है वो लोग मतलब रिएक्ट करेंगे फिर रिएक्ट करने के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं ठीक है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो उस पर हम ध्यान नहीं देते रूल बनाने पे ध्यान रह, देते रहते हैं तो वो चीज़ है यहाँ पर दोनों में ठीक है इसके अलावा और क्रिटिसिज्म क्या है रॉबर्ट मैरटोन ने क्या कहा रॉबर्ट मैरटोन ने गोल्ड डिस्प्लेसमेंट की बात करी यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है गोल्ड डिस्प्लेसमेंट के बारे में गोल्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हैं वो आपकी टर्मिनल वैल्यूज़ बन जाती हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ क्या होती हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो आपकी मतलब जो आपकी मीन्स होती हैं है ना एक मीन्स होता है एक एंड होता है ठीक है जैसे आप ये जो पूरी प्रोसेस में जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है तो एंड कहाँ एंड जो है वो एंड में आएगा ठीक है जैसे विक्टर थॉमसन जो है वो एंड में है और ये जो पूरी साइकिल चल रही है इसे हम कह सकते हैं कि मीन्स है ठीक है या फॉर एग्जांपल आपको ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है तो ए से बी तक जा रहे हो तो जो रास्ता लोगे वो मीन्स है जहाँ पहुँचना है वो एंड है यानी बी जो है वो एंड है तो गोल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है रॉबर्ट मैटोन ने जो गोल डिस्प्लेसमेंट का वो ये है कि गोल तो हमारा एंड होना चाहिए गोल जो है वो एंड होता है कि हाँ हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए है हमें एजुकेशन चाहिए हमें हेल्थ चाहिए वो एंड हैं सारे और उनको पहुँचने के लिए जो रास्ता होगा वो आपका मीन्स होगा तो मीन्स क्या है आधार आपका बनना चाहिए पहले ठीक है आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली क्या हुआ है जो आपको जो आपको जो वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट आया है अगर वो आपको अगर वो सर्विस अवेल करनी है आपको आधार कंपलसरिली उसमें आपको कराना पड़ेगा लिंक अब आधार ही किसी का नहीं है अब वैसे तो एंड क्या है एंड तो वो है ना कि हमें हमें वो खाने को मिल जाए हमें जो एंड एंड हमारा क्या है कि फूड सिक्योरिटी इज़ द एंड और आधार इज़ द मीन्स टू अचीव दैट पर्टिकुलर एंड आधार जो है वो एक मीन्स है कि वो जो फूड सिक्योरिटी है वो अचीव करनी है लेकिन हो क्या रहा है जिनका आधार नहीं है वो आधार बनाने में ही परेशान है उनका एंड जो है वो आधार बनवाना ही हो गया है ठीक है तो गोल जो है वो डिसप्लेसमेंट हो गया उसका गोल से हम भटक गए हैं और यही जो है ये कहा जाता है कि क्रिटिस ज्यादा ब्यूरोक्रेसी है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा रूल्स पर ध्यान देती है कि जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं वो टर्मिनल वैल्यूज बन जाती हैं जो ये मींस है जो रास्ता है वो क्या इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके का कहीं पर पहुंचने का एक तरीका है जो रोड है वो एक इंस्ट्रूमेंट है और एंड जो वो प्लेस है जहां पहुंचना है जो फूड सिक्योरिटी है तो इंस्ट्रूमेंटल uh, वैल्यू वो रास्ता है वो मीन्स है आधार है और टर्मिनल वैल्यू क्या है आधार कार्ड बोल रहा हूँ ठीक है आधार कुछ और मैं समझा और जो टर्मिनल वैल्यू है वो क्या है फूड सिक्योरिटी तो गोल डिस्प्लेसमेंट हो गया और हमारा गोल ऐसा लगता है मानो हमें आधार ही बनवाने के लिए हम दुनिया में आए थे ठीक है खाना वाना तो खाना ही नहीं है तो फूड सिक्योरिटी तो बाद की बात है हम हमारा ध्यान जो है वो पहुँच जाता है कि हाँ आधार बन जाए कैसे ही तो उस पर पहुँच जाता है या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं ट्रैवल करना है ठीक है तो ट्रैवल करने के लिए एंड कुछ और है कि हमें ट्रैवल करना है लेकिन फिर पता चला रिजर्वेशन में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है तो आप क्या कर रहे हो कि आपका आप भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे हो ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि हमारी यात्रा मंगल में हो आप प्रार्थना ये कर रहे हो हमारा रिजर्वेशन कन्फर्म हो जाए ठीक है तो मीन्स जो था वो एंड बन गया और एंड का तो अत ही पता नहीं है ठीक है कब पहुँचेंगे कब जाएंगे कुछ नहीं पता बस अभी ध्यान हमारा बस उसी में है कि रिजर्वेशन कन्फर्म हो जाए ठीक है तो यही होता है रूल्स जो हैं वो जो मीन्स होने चाहिए वो एंड हो जाते हैं ठीक है इसके अलावा आ, ट्रेंड इन कैपेसिटी ट्रेंड इन कैपेसिटी का मतलब जो मैंने अभी बताया नहीं था अब वो बता रहा हूँ ट्रेंड इन कैपेसिटी का मतलब ये है कि मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसलिए तो ट्रेंड है कि कैसे रेगुलेट करना है कैसे पुलिस को डंडा मारना है वो सब ट्रेंड है ठीक है कि कैसे किसको हटा मतलब कैसे अपनी पावर का यूज़ करना है लेकिन इसलिए ट्रेंड नहीं है कि कैसे डेवलपमेंट करना है ठीक है इसलिए ट्रेंड नहीं होती ब्यूरोक्रेसी तो आप ये लिख सकते हो ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी के अंदर ठीक है जो ट्रेनिंग है वो रेगुलेटरी वगैरह के लिए तो ठीक है लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो फिर नहीं होता है तो फिर ना तो हो पाता है जैसे हर्बर्ट साइमन भी बात करते थे प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजन तो जो प्रोग्राम डिसीज़न है वो क्या है जो डे टू डे बेसिस पर जो नॉर्मल डिसीजन है वो तो हम करते रहते हैं लेकिन नॉन प्रोग्राम जो नए नए इनोवेटिव डिसीजन है वो हम नहीं करते है ना उसी तरीके से यहाँ डे ट्रेंड इन कैपेसिटी ट्रेनिंग जो है वो उतनी कैपेट उसमें नहीं है है कि वो ये चीजें कर पाए। इसके अलावा, दिस्फंक्षनल दिस्फंक्षनल का मतलब क्योंकि हमने देखो गोल्ड की वजह से हम रास्ता रास्ता ही ही भटक गए, अब रास्ता भटक गए, गए, अब तो तो फिर कहीं और ही तो पहुंच जाओगे। जो हमें चाहिए था वो तो वैसे ही नहीं मिलेगा क्योंकि अब तो कहीं और ही चले गए है ना तो मेलटॉन जो है वो इसी की बात करते थे कॉन्सिक्वेंस चाहिए था जो एंड चाहिए था वो तो पहुंचे ही नहीं हम वहाँ पर तो कोई बिल्कुल अलग तरीके का जो डेट्रीमेंटल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा कुछ एंड हम पहुंच गए ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ कोई मतलब नहीं था समझ गए तो गोल्ड डिस्प्लेसमेंट और डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ये सारे कीवर्ड याद रखना इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आ चुके हैं बहुत बार ठीक है गोल्ड डिस्प्लेसमेंट पूछा जा चुका है और, और बाकी सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आते रहते हैं लगातार ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक है और इसके अलावा डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है जो वो है आपके टेलकॉट पार्सनस टेलकॉट पार्सन जो हैं वो इंटरनल इनकन्सटेंसी की बात करते हैं वॉट डू यू मीन बाई इंटरनल इनकन्सिस्टेंसी ये थिंक think, थिंकर्स जो हैं उनको याद रखना ठीक है जैसे रॉबर्ट मैरटोन है तो मैरटोन से ऐसे याद रख सकते हो दैट मैटोन से ऐसे मतलब रॉबर्ट मैटोन तो इनका मतलब वो वाले वो जो मीम बना था ना कि जज्बात बदल दिए एकदम से ठीक है वो पूरा गेम पलट गया तो ये रॉबर्ट मैटोन वही पाकिस्तानी सपोर्टर है जो एकदम से परेशान हो गया और इसने बहुत सारे मतलब हर कोई देखो एक एक क्रिटिसिज्म कर रहा है ठीक है लेकिन ये बंदा इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि इसने तीन क्रिटिसिज्म एक साथ कर दिए क्योंकि इसके एकदम से जज्बात बदल गए वक्त बदल गया ठीक है तो इस चक्कर में इसने बहुत सारे क्रिटिसिज्म इन्होंने कर दिए और डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंस क्योंकि पता है लास्ट में इंडिया जीत गई थी और इसकी इसी के बाद ये मीम बना था कि एकदम से जज्बात बदल दिए वक्त बदल दिया तो ऐसे ही डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंस आ गए कॉन्सिक्वेंस जो सोचा था कि पाकिस्तान आज इंडिया को हराएगी वो नहीं हरा पाई थी ठीक है तो रॉबर्ट मेटोन कुछ उसी तरीके के थिंकर हैं जिनके जज्बात बदल गए और एकदम से तीन चार एक के बाद एक क्रिटिसिज्म करते चले गए ठीक है तो तीनों याद रखना इसके अलावा टेलकॉट पार्सन टेलकॉट पार्सन जो ये थिंकर हैं इन्होंने बोला था इंटरनल इनकंसिस्टेंसी इंटरनल इनकंसिस्टेंसी उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से आप बात करते हैं हम जैसे फ्यूल की जब हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स की तो हम कह रहे थे कि ओवरलैपिंग प्रिंसिपल्स हैं मतलब एक तरफ कुछ कह रहा है दूसरी तरफ कुछ और कह रहा है ना ओवरलैपिंग है और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से मतलब क्लैश हो रहा है ठीक है क्लैश हो रहा है ठीक है ठीक है तो ये चीज़ थी वहाँ पर इंटरनल इनकिसटेंसी का मतलब है कि एक प्रिंसिपल कह रहा है कि लेफ्ट में जाओ दूसरा कह रहा है राइट right में जाओ तो हम जाएं कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ तो उस तरीके का यहाँ पर सीन है तो इंटरनल इनकन्सिस्टेंसी को अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझो तो इन्होंने टेल ब्यूरोक्रेसी में क्या कहा गया ब्यूरोक्रेसी में ये कहा गया दैट जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे हायर लेवल पर हैरारकी में वो कैसे होने चाहिए स्पेशलिस्ट होने चाहिए यानी प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए और एट द सेम टाइम उनके पास राइट टू कमांड होना चाहिए ठीक है राइट टू कमांड होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी का टॉपिक है मैक्स बेबर का, ठीक है तो वहां पर उन्होंने दो चीजें कही दैट प्रोफेशनली एक्सपर्ट भी होना चाहिए और राइट टू कमांड भी होना चाहिए और अगर पुराना लेसन याद करो हेनरी फ्योल वाला तो हेनरी फ्योल ने क्या कहा था दैट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हरारकी में जाओगे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी और टेक्निकल एक्टिविटीज कम हो जाएंगी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जो इंजीनियर्स आईआईटी में पढ़ रहे हैं उनको नहीं सिखाया जाता इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव उनको क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव दिया जाता है ओवरऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जो भी इंजीनियरिंग हो रही है वो पढ़ाई जाती है लेकिन जो आई में होते हैं ठीक है आई आई में जो जो जो, जो लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाता है डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्योंकि उन्हें ग्राउंड पे काम करना है उनको टेक्निकल काम रियलिटी में उनको टेक्निकल काम करना है ठीक है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये मतलब नहीं होता कि मैकेनिक बनेगा वो बंदा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा ओवरऑल जानेगा जो मैके मैकेनिक हैं वो अलग होते हैं ठीक है उसी तरीके से इन्होंने भी जब बात करी दैट इंटरनल इनकंसिस्टेंसी तो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इसमें बेबर ने क्या कहा दैट ऊपर की तरफ जब जाओगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बढ़ेगा फियोल ने कहा था और मैनेजमेंट जो टेक्निकल काम है वो कम हो जाएगा टेक्निकल का मतलब जो एग्जैक्ट जो काम होते हैं वो कम हो जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल आई होते हैं या जो ब्यूरोक्रेसी होती है आई होते हैं डॉक्टर नहीं होते हेल्थ मिनिस्ट्री में ठीक है समझ रहे हो डिफेंस मिनिस्ट्री में भी आई होते हैं कोई ऐसे डिफेंस वाला एक्सपर्ट वहाँ पे नहीं होते हैं ठीक है स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी इन्होंने बेबर ने क्या कहा Uh, उन्होंने बेबर ने यहाँ पर क्या बात करी बेबर ने तो बस ये कह दिया दैट प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी होना चाहिए और राइट right है उसके पास कमांड देने का तो अगर दोनों चीज़ें अगर कोई एक ही लोग कर लेगा तो रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता तो इनकन्सिस्टेंट हैं प्रिंसिपल्स ठीक है तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है आई होप समझ में आ गया है दैट कहीं ना कहीं इन एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल को वॉलेट कर रहा है क्योंकि वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है इसके अलावा बात करी गई विक्टर थॉमसन के द्वारा ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी की ये क्वेश्चन इसी साल आया था 2019 के एग्जाम में ठीक है ये जो क्वेश्चन है विक्टर थॉमसन का नाम नहीं लिखा था बस ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी को एक्सप्लेन करना था ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी क्या होता है दैट जैसे कोई ब्यूरो ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी को ब्यूरो पैथोलॉजी भी कहा जाता है ठीक है तो ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी का मतलब ये है दैट पूरा एक तरीके से एक बीमारी की तरह ब्यूरोक्रेसी हो गई है ठीक है मतलब उसमें रिजिडिटी है उसमें रेड टेपज़्म है और उसमें बहुत सारी कमियां हैं ठीक है रेड टेपिज़म है उसमें एफिशिएंसी नहीं है इनएफिशिएंट है उसमें इंटरनल इनकंसिस्टेंसी है उसमें गोल्ड डिस्प्लेसमेंट हो चुका है उसमें ट्रेंड इनकेपिसिटी है उसमें डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंस हैं जो भी आपने और चीज़ें पढ़ी वो सब लिख दो यहाँ पर ब्यूरोपैथोलॉजी है ये एक बीमारी की तरह हो गई है और हमारा जो पूरा सिस्टम है वो इसी वजह से वीक है क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी यहाँ पर है ठीक है तो जैसे ब्यूरो पैथोलॉजी पैथोलॉजी आप समझते हो मेडिकल से रिलेटेड है ऐसे ही यहाँ पर ये यह क्रिटिसिज्म ब्यूरोक्रेसी का किया गया कि बहुत सारी कमियाँ हैं और बहुत सारी कमियों में सारी कमियाँ आप लिख सकते हो इसके अलावा ड्यू जो ये है ड्यू ड्यू माउंटेन ड्यू नहीं है ये ठीक है तो ये आप याद रखिएगा माउंटेन ड्यू नहीं है ठीक है जैसे यहाँ पर ये रॉबर्ट मेटोन ये पाकिस्तान वाले वो सपोर्टर नहीं थे और यहाँ पर ये पीटर ब्लाउ जो है ये ब्ला ब्ला वाले नहीं थे जो टेम्प्रेरी बेसिस पर ब्ला करते तो इसीलिए इन्होंने टेम्प्रेरी सोसाइटी दी थी ये सारी चीज़ें याद रखना ठीक है गलत याद मत कर लेना तो माउंटेन माउंटेंटिव नहीं है ये और इनका नाम है ऑक्यूपेशनल साइकोसिस इन्होंने जो क्रिटिसिज्म दिया उसका नाम है ऑक्यूपेशनल साइकोसिस ऑक्यूपेशनल साइकोसिस का मतलब है देखो ऑक्यूपेशनल साइकोसिस का मतलब है साइकोलॉजी से रिलेटेड है अगर एक बंदा एक ही काम करता जाएगा करता जाएगा और करता जाएगा अगर एक काम करता जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो बोर हो जाएगा ठीक है कि अगर कोई एम एस एक्सएल चला रहा है या कोई भी मतलब एक ही काम करता जा रहा है एक ही काम करता जा रहा है ठीक है किसी की मान लो हॉबी है पेंटिंग ठीक है अब वो पेंटिंग करता जा रहा है और मतलब उसे 40 साल हो गए जॉब में वो पेंटिंग ही कर रहा है रोज़ तो फिर दिक्कत होगी है ना मतलब मोनोटोनस क्रिएट मोनोटोनी क्रिएट हो जाएगी तो एक ही चीज़ होती रहेगी तो फिर वो बोर हो जाएगा बोर्डम क्रिएट हो जाएगा आगे जाके हम एक थिंकर भी पढ़ेंगे जिनका नाम है जर्गन वो सॉरी नॉट जर्गन है उनका नाम है फ्रेडरिक हर्सवर्ग तो हर्जवर्ग ने भी मोटिवेशन में ये सारे कॉन्सेप्ट बताए थे जॉब जो, जो ये वार्नॉट थे तो वार्नॉट ने जो बात की थी वो आपकी प्रोफेशनल ए, डिफॉर्मेशन की, की थी सेम सिमिलर टू ऑक्यूपेशनल साइकोसिस ये भी आपका कॉन्सेप्ट रहेगा और लास्ट में ब्यूरोपैथोलॉजी पैथोलॉजी हम पढ़ ही चुके हैं इसके अलावा जो ये थिंकर दूसरे हैं जिनका नाम है माइकल क्रोजियर इनका क्रिटिसिज्म ये था दैट रिजिड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन नॉट करेक्ट इट्स बिहेवियर ठीक है और बाई लर्निंग फ्रॉम एरर्स जो कमियाँ होती हैं जो गलतियाँ होती हैं उनसे ये लोग सीखते नहीं हैं तो ये एक और यहाँ पर क्रिटिसिज्म है दैटियाँ हो जाती हैं और सीखते नहीं हैं गलतियों से और इसके अलावा कार्ल फ्रेडरिक ने इसको आइडियल और टाइप जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी है मतलब अगर आप कह रहे हो टाइप टाइप का मतलब क्या है टाइप तो और भी हैं ठीक है ठेके? टाइप तभी तो बोलते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डायबिटीज के टाइप्स तो टाइप ए फिर टाइप बी तो टाइप तो तभी बोलोगे जब और भी हैं अगर एक ही है तो टाइप क्यों बोलोगे दूसरी तरफ अगर आइडियल बोल रहे हो तो मतलब और नहीं होने चाहिए तो, तो एक ही होना चाहिए तो आइडियल और टाइप एक दूसरे को कैंसिल करता है किसी भी एनालिसिस में

जो अलमोड पलम बोरा ठीक है ये जो भी हैं बोरा बोरा बारा ठीक है तो ये जो है इन्होंने कहा दैट चाइनीज़ एंड रशियन आर बेटर देन डेवलपिंग आर बेटर फॉर डेवलपिंग आप गलत कर रहे हो दूसरा दूसरा होता है कि मैं आपको टोकूं कि आप गलत कर रहे हो और साथ में मैं ये भी बताऊं कि आपको ये करना चाहिए दो तरीके होते हैं तो दो तरीके के लोग होते हैं ऐसे ही जो पहले जो ये व्यक्ति हैं रॉबर्ट फ्रेस्तस ने ने कि ये गलत है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं होगा दूसरे ने थोड़ा सजेशन भी दे दिया कि ये गलत है ये नहीं होगा चाइनीज और रशियन हो सकता है ठीक है तो एक आगे एक लेवल जाके बोला चीज़ को ठीक है लास्ट जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन और यस ब्यूरोक्रेसी इज देयर तो ब्यूरोक्रेसी तो हम पढ़ चुके हैं ठीक है वो बेबर ब्यूरोक्रेसी तो चलती रही और उसके बाद नाइनटीन सिक्सटीज में ऐसा टाइम आया कि ब्यूरोक्रेसी को हम हम पसंद करना हमने ख़त्म कर दिया और डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन शुरू हो गया डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन में कौन से कॉन्सेप्ट थे न्यू पब्लिक अप्रोच न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक अप्रोच और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पी और एन ये दोनों नाइनटीन सिक्सटीज़ के कॉन्सेप्ट हैं और एन पी सिक्सटीज़ के बाद डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन शुरू हुआ तो अगर थोड़ी सी क्रोनोलॉजी में और अच्छे से समझाऊँ तो ये जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है कि कैसे इमरजेंस हुआ ब्यूरोक्रेसी का इसी ब्यूरोक्रेसी के आगे लास्ट में आप लिख सकते हो कि नाइनटीन के टाइम तक ब्यूरोक्रेसी जो आ गई थी कि भैया बहुत ज़्यादा काम हो गया है तो थोड़ा ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ले लें वो ब्यूरोक्रेसी इनफिशियंट हो गई थी क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह हर जगह गवर्नमेंट ने टांग अड़ा रखी थी तो ब्यूरोक्रेसी हो गई थी इनफिशियंट और उस इन्एफिशियसी को काउंटर करने के लिए न्यू राइट फिलोसफी आई पब्लिक चॉइस अप्रोच आया और ये सारी चीज़ें आई नाइनटीन फोर्टीज़ के बाद और उसके बाद ब्यूरोसी से हम जाने लगे प्राइवेटाइजेशन की तरफ और क्योंकि हम उस जाने लगे तो अपने आप ये ब्यूरोक्रेसी का एंड यहां पर एंड हो गया और हम पहुंच गए डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन तक और डी ब्यूरोटाइजेशन भी ऐसा नहीं है कि चलता जा रहा है और आज भी चल रहा है अब आज तो वैसे तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है लेकिन अगर देखोगे थोड़ा ध्यान दोगे कुछ और थिंकर्स की बातें देखोगे जो रिसेंट एड हुए हैं जो रिसेंट डिकेड देखा जाए नाइनटीन नाइन्टीज के आसपास तो यहाँ पर फिर से रिसर्जेंट ऑफ रिसर्जेंट ब्यूरोसी आई है आज के टाइम में हम फिर से ब्यूरोसी को पा रहे हैं ब्यूरोसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे एनपीएम के बाद आगे, आगे आप जब फर्दर हम पढ़ेंगे तो आएगा एक एनडब्ल्यू एस न्यू बेबेरियन स्टेट तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी के एवोल्यूशन में कैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं और इसके अलावा एक और है नेटवर्क गवर्नेंस एज ऑफ नाउ मैं नहीं बता रहा हूँ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जो आपको आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा ये चीज़ें बुक में नहीं है ये प्रसाद प्रसारण प्रसाद में नहीं दिया गया है ठीक है तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना नेटवर्क गवर्नेंस आया है कॉन्सेप्ट ये भी जो है ये भी ये भी मॉडर्न स्टडीज़ है इसकी कि नेटवर्क गवर्नेंस कैसे काम करता है नेटवर्क का कैसे रोल है यहाँ पर इसके अलावा कॉलिन हिल्स ने एक ब्यूरोक्रेसी लाइट मॉडल दिया है ब्यूरोक्रेसी लाइट का मतलब है जैसे आपने फेसबुक चलाया होगा तो फेसबुक का एक फेसबुक लाइट वर्जन आता है लाइट का मतलब हल्का ठीक है लाइट का मतलब थोड़ा सा लाइट है ना जैसे नॉर्मल फेसबुक क्या है कि उसका वो आप डाउनलोड करोगे तो बहुत ज़्यादा एम का होगा लाइट जो है वो लाइट होगा हल्का होगा हल्का उसकी एम होगी और बाकी साथ में कुछ फीचर्स कम होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल सबको केयर इमोजी मिल जाएगा आपको नहीं मिलेगा हर कोई अगर जो नॉर्मल फेसबुक चला रहा होगा उसके में क्या होता है कि हैप्पी ओली लिख रहा था तो रंग उड़ रहे थे है ना रिसेंट एग्जाम्पल ओली लिख रहा था तो रंग उड़ रहे थे लेकिन जो फेसबुक लाइट था वहां कुछ ऐसा सीन था नहीं ठीक है तो ऐसे डिफरेंस होते हैं उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी लाइट मॉडल ब्यूरोक्रेसी की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा हल्का है हल्के का मतलब है लेस सेंट्रलाइज है तो लेस सेंट्रलाइज है क्योंकि वो वाला ज़्यादा सेंट्रलाइज था ये लेस सेंट्रलाइज है तो लाइट है तो लाइट कहाँ है सेंट्रलाइजेशन के मामले में लाइट है ठीक है ये समझ में आता है इसके अलावा लास्ट जो एक और थिंकर है ये थिंकर नहीं है एक्चुअली ये ये इनका नाम है लियोन ये पनेटा ठीक है लियोन पेनेटा ठीक है आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो और जैसे याद करना चाहो कर सकते हो ठीक है तो ये जो लियोन पेनेडा है ये बेसिकली कोई थिंकर नहीं है इन्होंने इनको वाइट हाउस में एंट्री मिली और वाइट हाउस में इन्होंने उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जो बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं जो ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं लाइक यूनिटी ऑफ कमांड वगैरह ठीक है like तो इस वजह से चीज़ें आ रही हैं और अल्टीमेटली आप समझो कि इतना ज़्यादा आसान नहीं है अगर आप ब्यूरोक्रेसी को अगर आप कहो कि ब्यूरोसी बहुत ख़राब है ठीक है ये रिसर्जेंट क्यों हो रहा है इसकी बात को अगर आप ध्यान से सोचो कि क्यों हो रहा है ये रिसर्जेंट क्योंकि अगर आप अगर आप ब्यूरोक्रेसी पर ध्यान दोगे ब्यूरोक्रेसी क्या कहती है ब्यूरोक्रेसी कहती है कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी कहती है दैट रूल्स होने चाहिए और हैरारकी होनी चाहिए इमपर्सनल ऑर्डर होना चाहिए रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए तो कहीं ना कहीं ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं ठीक है भले ही आप ये कहोगे इनसे रिजिडिटी आती है ये होता है वो होता है और फाइल पे फाइल चलती है लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि इन चीज़ों की जरूरत होती है ठीक है इमपर्सनलनेस की जरूरत होती है होती ही होती ही है ठीक है रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होगा तो करप्शन होगा इसी वजह से इतना करप्शन होता है 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 तो अल्टीमेटली वो चीजें इसी वजह से इनका री देखने देखने को मिल रहा है, है? कहीं देखने को मिल मिल रहा ठीक ठीक कहीं कहीं ना ब्यूरोक्रेसी रही है, है? इसके अलावा जगह आप एक पीटर प्रिंसिपल लिख सकते हो पीटर प्रिंसिपल का हिसाब से जो पोजीशन ऑक्युपाई कर रखी है लोगों ने वो इनकॉम्पिटेंट लोगों ने कर रखी है लोग उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है उसके लिए परफेक्ट नहीं है क्योंकि जो प्रमोशन होता है वो प्रमोशन जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं लोअर पोजीशन में हूँ और अगर मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं अपर पोजीशन में पहुंच जाऊँगा ठीक है तो लोअर पोजिशन के काम के हिसाब से मेरा मेरे को जज किया जाएगा कि हाँ इसने इस पर्टिकुलर पोजिशन पर कैसे काम किया उस बेसिस पर मेरा प्रमोशन हो जाएगा लेकिन मुझे ऐसा नहीं देखा जाएगा कि मैं उस जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ वहाँ मैं कैसा काम करूँगा वो एनालिसिस नहीं किया जाता सिर्फ अभी जहाँ पर हो वहाँ कैसे काम कर रहे हो उस बेसिस पर प्रमोशन होता है इस वजह से जो जो नई पोजिशन पर आप पहुँचे हो उसके लिए इनकॉम्पिटेंट होते हो ठीक है परफेक्ट नहीं होते हो ये आपका पीटर प्रिंसिपल है और एक और पी से आपको यहाँ पर याद रखना है जो आप यहाँ ये जो ट्रेन दूसरा प्रिंसिपल जो मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट नहीं किया वो है पैरकिनसन लॉ पैरकिंसन लॉ पी ए आर के आई एन एस ओ एन पैरकिंसन लॉ पारकिनसन लॉ ये क्या कहता है ये ये कहता है डेट ब्यूरोक्रेसी अपना काम जो है वो बढ़ाती रहती है बढ़ाती रहती है इन द सेंस ये एम्पायर बिल्डिंग में लगे रहते हैं एम्पायर मतलब क्रिकेट मैच वाला एम्पायर नहीं एम्पायर मतलब वो माइसमती साम्राज्यम वाला एम्पायर ठीक है या विजयनगर एम्पायर वाला एम्पायर मतलब एम्पायर बिल्डिंग में लगे रहते हैं यानी कि इनको मतलब ये अपने डिपार्टमेंट और ये सब बनाते रहते हैं और ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत बिजी रहते हैं आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए कोई भी कोई भी खाली नहीं मिलेगा लेकिन कोई काम भी नहीं कर रहा है बस वो काम करने का अपनी इम्पोर्टेंस दिखाते हैं सो दिस इज़ देयर ठीक है तो लगता है कि हाँ ठीक है कर रहे हैं तो उसी तरीके से हर कोई बिजी होता है लेकिन काम भी कोई नहीं करता है इन एफिशियंसी भी इसी वजह से तो वो इंटरनल जो ये चीज़ है इसे पारकेंशन लॉ कहते हैं दैट दे आर क्रिएटिंग द वर्क ठीक है अगर काम नहीं है तो भी करने लगते हैं क्रिएटिंग द वर्क फॉर देल्प ठीक है अगर कुछ तो करना ही है अपनी इंपॉर्टेंस शो करनी है तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहते हैं और यही कहते हैं इसी को कहते हैं पारकेंशन लॉ तो पारकेंशन लॉ पीटर प्रिंसिपल न्यू नियोडेस्पोर्टिज्म एक और चीज़ जो मैंने कल बताई थी वो आज नहीं लिखी हुई है वो आप समझ लिंक कर दोगे उसको कहते हैं फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच कल मैंने बता ही दिया था उसका मतलब मैंने बता ही दिया था कि क्या होता है यानी जहाँ पर आ, बेसिकली जो पोजीशन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए पर्सन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए ठीक है पोजीशन इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल भी है जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक आपने मेट्रीमोनियल वाला एड देखा कि कि शादी के लिए लड़की ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए दुनिया भर का उसमें इतनी हाइट होनी चाहिए इतना वेट होना चाहिए और दुनिया भर का उसमें एनालिसिस लिखा हुआ है ठीक है तो वो पोजीशन के हिसाब से चीजें हैं ठीक है एक होता है कि पोजीशन के हिसाब से नहीं पर्सन के हिसाब से इन केस ऑफ लव मैरिज वहाँ पे क्या होता है वहां पे ऐसा नहीं होता कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए वहाँ पे तो चाय खाना पीना सब खुद बनाना पड़ेगा वहाँ कुछ ऐसा नहीं है मतलब अंतर क्या है अंतर यही है कि दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट दूसरे केस में क्या है पर्सन इज इंपॉर्टेंट कि वहां पे फिर ये नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए वहां पे जो है सो है ठीक है दैट्स क्लियर ठीक है फिर चाहे जो जो मतलब आपकी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हों आपको चाय मिले खाना मिले पानी मिले या कुछ ना मिले ठीक है तो वो जो चीज़ है वो आपकी फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच ने क्रिटिसाइज की थी कि फोकस जो है वो पोजीशन पे क्यों है फोकस करो पर्सन पे और उस पर्सन को उस हिसाब से काम करवाओ ठीक है पोजिशन पर क्यों फोकस है यानी कोई पर्टिकुलर वैकेंसी है तो उसमें रिक्रूटमेंट के लिए ये 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 चाहिए है उस पर फोकस करने के अलावा किसी बंदे को रिक्रूट कर लो फिर उससे पूछो कि तुम्हें क्या आता है और फिर वो बताए कि मुझे ये सब नहीं आता है तो उससे वो सब मत कराओ जो उसे आता है उसे वो चीज़ करवाओ ठीक है so सो आप समझ गए होगे फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच ने कैसे इस चीज़ को क्या था? किया था क्रिटिसाइज किया था दैट पोजीशन इज इम्पॉर्टेंट तो उसको क्रिटिसाइज करते हुए बात की थी सो दिस इज़ इट फॉर द डे एनालिसिस हो गया बहुत बड़ा और एक घंटे डेढ़ घंटे का वीडियो हो गया आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मैंने सारी चीज़ें इस स्लाइड में रखी हुई हैं और अगर आप पढ़ोगे इन चीज़ों को तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी लेकिन अगर आप ये इमेजिनेशन और जो ये स्लाइड्स हैं इनकी हेल्प से आप चीज़ों को समझ गए होंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी दिस इज़ इट फॉर द फॉर द डे थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहने के लिए काफ़ी काफ़ी धन्यवाद ठीक है थैंक यू फॉर बींगर बाय और कल की जो क्लास है आप लोग मुझे फिर बाद में पूछते हो कल क्लास किसकी है कल की क्लास है वो गुलिक उर्विक की है ठीक है तो आज काल मार्क्स का बर्थडे था तो हम सोच तो रहे थे कॉल मार्क्स की क्लास लाएं लेकिन जो प्रोसेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स का जो है वो हम वैसे ही चलाएंगे ठीक है तो अगली क्लास किसकी है गुलिक उर्विक की ठीक है तो इसलिए परेशान नहीं होना कि किसके बारे में पढ़ें उनके बारे में पढ़ लेना दिस इज़ इट फॉर द डे थैंक यू सो मच एंड हैव है नाई स्टे बाय टेक केयर